जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास से जोधपुर। बच्चों, सबसे पहले तो आपके कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आज आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करेंगे 20 तारीख तक इस सीरीज को कंप्लीट चलाते हुए। बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, ऐसा रीजनिंग का भी कुछ कीजिए। तो डेटा सफिशियंसी का मैंने कंसेप्ट समझाया था, एक दिन डेटा इंटरप्रिटेशन का भी कंसेप्ट आपको समझाते हैं। बच्चे कम जुड़े हैं, हो सकता है लेट होने की वजह से, तो एक बार आपके टेलीग्राम और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनके अंदर शेयर कर दीजिए। एक मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। और बच्चों, जो बच्चे नए हैं लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज के कुछ क्वेश्चन है, उनको समझना, थोड़ी स्पीड रखना, क्योंकि कल भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो आज के जो भी यूनिक क्वेश्चन है उनको अपन लेने की कोशिश करते हैं। एक एक चीज को समझते जाइएगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। एक तरफ आपकी डिवाइस है, एक तरफ आपकी डिवाइस है और एक तरफ आपका टेलीकम्युनिकेशन मोड है। देखो बच्चों, टेलीकम्युनिकेशन मोड क्या होता है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, कौन कौन सी वैकेंसी आई है। चलो मैं एक मिनट रुक के आपको बता देता हूँ। एक तो यूपी के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, और बच्चों यूपी के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही प्रोग्रामर की वैकेंसी आई है। एक IDBI बैंक के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी आई हुई है, और बच्चों हाई कोर्ट के अंदर सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। फॉर्म भरो तो बहुत सारे हैं, तैयारी कीजिए और फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। अगर तुम एक्टिव रह के काम करोगे तो हो जाएगा। कंप्यूटर टीचर की आने वाली है, संस्कार डिपार्टमेंट में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है, और बच्चों प्रोग्रामर की वैकेंसी आपकी आने वाली है। ये वैकेंसी आपके सामने है, लग जाइए तैयारी पे। पर्टिकुलर जो स्टोर है वो खरीदिए और लगिए अच्छी तरह तैयारी में। बार बार आपको स्टोर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप स्टोर खरीदिए और तैयारी कीजिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। और देखिए किस तरीके का कंटेंट है वो मैं बताता चल रहा हूं। और चलिए आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है समझने की कोशिश करना। बच्चों, एक तरफ है आपकी डिवाइस और एक तरफ है आपके टेलीकम्युनिकेशन मोड, दिमाग में आ जाना चाहिए। करें स्टार्ट बच्चों, चलिए। हाँ जी, अब थोड़ा सा एक्टिव रहना बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, सबको कवर करना है। आज जो मैं पढ़ा के जा रहा हूं आपको लगेगा कि हाँ सर, ये क्वेश्चन तो सब आए थे, कहीं ना कहीं हमने देखे। और बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मैं करवा रहा हूं। और चलिए स्पीड बढ़ाना बच्चों। वो कह रहा है कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कीजिए। अब बच्चों एक चीज बताइए, सबसे पहले तो क्वेश्चन है टेलीकम्युनिकेशन मोड क्या होते हैं। मोड वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन, यानी दूर रह के लोग जो बात करते हैं वो होता है टेलीकम्युनिकेशन। बच्चों टेलीकम्युनिकेशन में आपके, आपको सब पता है, टेलीकम्युनिकेशन में मोबाइल आते हैं, रेडियो आते हैं, टेलीविजन आते हैं, रिमोट आते हैं। यानी दो चीज अगर दूर दूर है और वो आपस में कम्युनिकेट हो रही है, तो चाहे रिमोट ले लीजिए आप, हो सकता है थोड़ा नजदीक का ही हो, लेकिन दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन। और टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, टेली का मतलब दूर, दूर स्थित, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी के अंदर नहीं, एक बॉडी दूसरी बॉडी के बाहर है, तो टेलीकम्युनिकेशन है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, टेलीकम्युनिकेशन से पास पास कितना भी पास हो, ये टेलीकम्युनिकेशन है बच्चों। बहुत दूर है, वर्ल्ड वाइड, ये भी टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन। बच्चों टेलीकम्युनिकेशन मोड कितने तरीके के होते हैं, तीन, एक होता है सिंप्लेक्स और एक होता है डुप्लेक्स। लेकिन डुप्लेक्स से फिर दो हिस्से, एक तो बच्चों हाफ डुप्लेक्स और एक क्या होता है फुल डुप्लेक्स। याद रखना, हर पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है। तो बच्चों याद रखना, सिंप्लेक्स में डेटा का फ्लो एक ही तरफ होता है, मैं ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते आगे बढ़ूंगा। सिंप्लेक्स में डेटा का फ्लो केवल एक ही तरफ होता है बच्चों, एक ही तरफ डेटा का फ्लो होगा, दूसरी तरफ डेटा का फ्लो होगा ही नहीं। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर याद रखिए वो सारी की सारी किस्में आती है सिंप्लेक्स। कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड बच्चों कैसे काम करेगा, सोचो यहां पर लिख रहा हूं मैं, कीबोर्ड कैसे काम करेगा, कीबोर्ड बच्चों कंप्यूटर के पास पहुंचाएगा, ठीक है, तो कंप्यूटर के पास पहुंचाएगा, इधर से इधर डेटा नहीं आएगा। माउस है, वो भी कंप्यूटर के पास पहुंचाएगा। बच्चों याद रखिए जो स्टिक है, यानी जो भी इनपुट डिवाइसेज है, याद रखो बच्चों इनपुट डिवाइसेज कोई भी हो वो कैसा मोड है, सिंप्लेक्स, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइसेज पे आ जाइए, प्रिंटर है, अच्छा माउस के बाद स्कैनर है, ये भी सिंप्लेक्स में काउंट होता है। बच्चों प्रिंटर है, ये भी सिंप्लेक्स में काउंट होता है, क्लियर। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जितने भी है, मॉनिटर है,
तो बच्चों ये भी सिंप्लेक्स में काउंट होता है, क्लियर। तो ये आपके दिमाग में होने चाहिए कि सिंप्लेक्स में क्या क्या आता है। अब बच्चों दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए कि सर ठीक है समझ में आ गया, जिसमें डेटा का फ्लो एक ही तरफ होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किस में आती है, तो सिंप्लेक्स मेथड को फॉलो करती है। अब बच्चों दूसरी बात कर लेते हैं अपन, अब बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी की अगर मैं बात करता हूं, मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों याद रखना मेमोरी में अगर एक काम हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, अगर रीड हो रहा है तो राइट नहीं होगा और राइट हो रहा है तो रीड नहीं होगा, याद रखिए एक साथ केवल एक काम होगा। अपन ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं, तो ये बच्चों हाफ डुप्लेक्स के फॉर्मेट में काम करती है। कौन? मेमोरी। मेमोरी हमेशा हाफ डुप्लेक्स के फॉर्मेट में काम करती है। तो बच्चों क्या क्या हो गया? सीपीयू। सीपीयू क्या होगा बच्चों? लेता है और फिर देता है, इसका मतलब ये हो गया सीपीयू एट ए टाइम दोनों काम नहीं कर सकता लेने देने का। तो बच्चों ये हाफ डुप्लेक्स की तरह काम करता है, मेमोरी हाफ डुप्लेक्स की तरह काम करती है। याद रखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, तो कंप्यूटर में क्या क्या हुआ? कंप्यूटर में हुआ इनपुट आउटपुट मेमोरी और सीपीयू, और मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मेमोरी में भी बच्चों जब तुम राइट कर रहे होते हो तो रीड नहीं कर सकते और रीड कर रहे हो तो राइट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए आप। सीपीयू जब ले रहा है तो दे नहीं रहा होगा और दे रहा है तो ले नहीं रहा होगा, क्लियर बच्चों। तो ये काम करते हैं किसमें? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब एट ए टाइम वो काम नहीं हो रहा होगा। अब बच्चों एक होता है फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स इधर भी जाता है और इधर भी आता है, लेकिन एट ए टाइम केवल एक, एट ए टाइम केवल एक, एट ए टाइम, एट ए टाइम। तो मतलब यहां पर पॉज बटन होता है, स्टार्ट ऑन, स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट ऑफ, बच्चों क्लियर। तो जाता भी है और आता भी है, लेकिन एट ए टाइम केवल एक, क्लियर। तो बच्चों इन दोनों में जो फ्रीक्वेंसी यूज आती है वो सिंगल बैंड फ्रीक्वेंसी यूज आती है। बच्चों फुल डुप्लेक्स में मल्टी बैंड यूज आती है, मल्टी बैंड फ्रीक्वेंसी यूज आती है। मल्टी बैंड का मतलब है एक फ्रीक्वेंसी के दो पार्ट कर दिए गए, ये डेटा जाने के लिए और ये डेटा आने के लिए। याद रखिए डेटा को लेने के लिए, ये डेटा को देने के लिए। तो बच्चों फुल डुप्लेक्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर दिया जाता है एक लेने के लिए और एक देने के लिए, और इसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। डेटा का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होगा, बाई डायरेक्शनल, और एट ए टाइम होगा, एट ए टाइम होगा। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। अगर ये आपके समझ में आ गया तो बच्चों यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, क्लियर। एक क्वेश्चन आपका यहां से पक्का है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है सर वॉकी टॉकी क्या होता है? तो वॉकी टॉकी देखो बच्चों, बच्चे कम आए हैं, एक बार शेयर हो जाना चाहिए इस वीडियो को, शुरू से देखना जो लेट आए, मजा आ जाएगा बच्चों आपको, क्लियर। जबरदस्त वीडियो बनने वाला है। वॉकी टॉकी क्या है? तो वॉकी टॉकी एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एट ए टाइम सेंडर रिसीवर को भेजेगा, लेकिन रिसीवर सेंडर को कुछ नहीं भेज सकता। तो इसका मतलब ये हो गया ये हाफ डुप्लेक्स में आता है। किसमें आता है बच्चों? हाफ डुप्लेक्स, ये हाफ डुप्लेक्स में आता है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, बच्चों टेलीविजन अपन देख सकते हैं कुछ कर नहीं सकते, ये किसमें आएगी? सिंप्लेक्स। टेलीफोन है, टेलीफोन दोनों तरफ वर्क करता है एट ए टाइम, सुनते जाओ बोल भी दो, अरे भाई रुक सुन मेरी बात। तो बच्चों टेलीफोन एट ए टाइम दोनों डायरेक्शन में काम करता है, यानी फुल डुप्लेक्स। टेलीफोन के अंदर जो फ्रिक्वेंसी बैंड है उसको दो टुकड़ों में बांटा गया बच्चों, एक सेंड करने के लिए, एक रिसीव करने के लिए। तो टेलीफोन सिस्टम क्या है? तो टेलीफोन सिस्टम बच्चों फुल डुप्लेक्स है। सीबी सिटीजन बैंड रेडियो, सिटीजन बैंड रेडियो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब अपन ने देखा होगा एफएम रेडियो पर, जब एफएम चलता रहता है बीच बीच में बातें भी चलती रहती है और रेडियो भी सुनते रहते हैं और उनकी बातचीत भी चलती रहती है, उसको बोलते हैं सिटीजन बैंड रेडियो। तो बच्चों ये सिटीजन बैंड रेडियो जो है ना, ये इस तरीके का रेडियो, अगर पूछे कैसा है रेडियो तो रेडियो बच्चों सिंप्लेक्स है, क्योंकि रेडियो तुम सुन सकते हो, उसको कोई कमांड वमांड नहीं दे सकते आप, तो बच्चों वो केवल सिंप्लेक्स है। लेकिन सिटीजन बैंड रेडियो ये बच्चों हाफ डुप्लेक्स है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए, सिटीजन बैंड रेडियो ये किसमें आएगा? हाफ डुप्लेक्स। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए, हाफ डुप्लेक्स। और इंटरनेट वॉइस कॉल वीओआईपी, तो बच्चों आजकल तुम कर रहे हो इंटरनेट पे वॉइस कॉल कर रहे हो, इंटरनेट वॉइस कॉल कर रहे हो, तो क्या है ये? फुल डुप्लेक्स है, क्लियर। याद रखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फुल डुप्लेक्स है, टेलीविजन सिंप्लेक्स है। बच्चों याद रखना यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सर प्रोग्रामर का न्यू बैच ले लीजिए, खरीद लीजिए, उसमें लाइव क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, जिस दिन वैकेंसी आएगी एक बार पूरा कोर्स करा रखा है प्रोग्रामर का, तो उसको खरीद सकते हो। अभी रेट कम है, वैकेंसी आती है रेट बढ़ जाएगी, तो जिसको खरीदना है प्रोग्रामर खरीद लीजिएगा, उसमें थोड़े दिनों में लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जावा करा रखी है, नेटवर्किंग करा रखी है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पूरा करा रखा है, और बच्चों डीबीएमएस पूरा करवा रखा है, और जैसे ही वैकेंसी आएगी उसमें लाइव क्लासेज डेली दो दो घंटे स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। चलिए
अब बच्चों ब्राउजर किसमें आता है, एक बच्चा कह रहा हब डुप्लेक्स, ब्राउजर का क्या सिस्टम है, पहले अपन सर्च करने के लिए डालते हैं, फिर एंटर करते हैं, वो सर्च करने जाता है और फिर आपको शो करता है, उसके बीच में वो कोई कमांड नहीं लेता, ब्राउजर हाफ डुप्लेक्स, इनपुट सिंप्लेक्स, आउटपुट सिंप्लेक्स, मेमोरी हाफ डुप्लेक्स, सीपीयू हाफ डुप्लेक्स, प्रिंटर स्कैनर सिंप्लेक्स, याद रखिए। टेलीविजन क्या है, टेलीविजन केवल आपको दिखाएगा बच्चों क्लियर, वो सिंप्लेक्स, रेडियो सिंप्लेक्स, लेकिन बच्चों सिटीजन बैंड रेडियो जो आपसे बीच बीच में बातें करते रहते हैं वो हाफ डुप्लेक्स। बच्चों फुल डुप्लेक्स के एग्जाम्पल दो, कोई 10 एग्जाम्पल फुल डुप्लेक्स, मोबाइल है, टेलीफोन है, बच्चों समझने की कोशिश करो। बच्चों मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये सब फुल डुप्लेक्स है, आपको आप मेरे से पूछ भी रहे हो, मैं आपको जवाब भी दे रहा हूं। बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बच्चों इंस्टेंट मैसेजिंग है, व्हाट्सएप चैट है, जो चैटिंग है वो फुल डुप्लेक्स है, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब अपन लिख रहे होते हैं तो आपको संकेत बताते रहते हैं, कुछ संकेत हेडर जाते रहते हैं जो आपको ये बताते रहते हैं, बंदा कुछ ना कुछ टाइप कर रहा है तो ये क्या है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग ये भी फुल डुप्लेक्स है। क्या ये क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। मॉडेम, मॉडेम क्या है, तो बच्चों मॉडेम क्या कर रहा है, डेटा मॉडेम, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, तो क्या कर रहा है, ये तो डिवाइस है ना बच्चों, समझने की कोशिश करो। तो मॉडेम क्या करेगा, तो मॉडेम ये भी हाफ डुप्लेक्स में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए सर टू एन एफ में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी, अरे कहां क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लियर है बच्चों, याद रखिए। एक बार कमेंट कर दो सब, हाँ जी, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है ले रही और भेज रही है, ले रही और भेज रही है, क्लियर, समझने की कोशिश करो, ले रही भी है और भेज रही भी है। तो एक बार बताओ, एक कह रहा है कि सर ऐसी भी डिवाइस है जो इनपुट का भी काम करे और आउटपुट का भी काम करे, बिल्कुल कर रही है, कौन है, हब है, स्विच है, राउटर है, मॉडेम है, तो ये क्या कर रहे हैं, जब ले रहे हैं तब दे नहीं रहे, जब दे रहे हैं तो ले नहीं रहे, क्लियर, तो खुद सोचो, क्योंकि ले भी रहा है और दे भी रहा है तो कैसे काम कर रहा है, क्लियर। व्हाट्सएप कॉल बच्चों फुल डुप्लेक्स है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से काफी समय आ गया होगा। और इंटरनेट वॉइस कॉल, वॉइस कॉल कर रहे हो आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो या सिम के थ्रू कर रहे हो, वॉइस कॉल बच्चों फुल डुप्लेक्स है। तो बच्चों वॉकी टॉकी पे क्वेश्चन आ चुका है, टेलीविजन पे आ चुका है, टेलीफोन पे आ चुका है, सीबी रेडियो पे आ चुका है, रेडियो होता तो हाफ, रेडियो होता तो सिंप्लेक्स। और बच्चों एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, ऐसा कौन है जिसमें फ्रीक्वेंसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक सेंडर के लिए एक रिसीवर के लिए, तो बच्चों वो होता है फुल डुप्लेक्स। और सेम मेमोरी सेम फ्रीक्वेंसी यूज आती है सेम, लेकिन एट ए टाइम केवल या तो रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है, क्लियर। मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आएगी। इंटरनेट फुल डुप्लेक्स है, इंटरनेट फुल डुप्लेक्स है, इंटरनेट फुल डुप्लेक्स है, क्लियर। 323 किसमें काम आता है, एक बच्चा कह रहा है, तो VOIP, क्लियर, उसके लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कॉलम ए कॉलम बी, और आपको ये मैच करवाना है कि कौन क्या है। तो बच्चों ये क्या है 802.3, तो बच्चों ये क्या है 802.3 इथरनेट, सबको पता है ये इथरनेट है। बच्चों ये क्या है, ये वाईफाई है बच्चों, 15 ये ब्लूटूथ है बच्चों, 802.16 वाईमैक्स है, और 802.22 आप सबको पता है ये आपके कंप्यूटर टीचर में आया था, वाईमैक्स क्या होता है बच्चों, IEEE स्टैंडर्ड याद होना चाहिए सबको। सर एग्जाम में याद आए TCP कितने लेयर में काम करता है, तो आंसर चार देना, लेकिन अगर चार ऑप्शन नहीं है तो पांच भी दे सकते हो बच्चों, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा, पूछते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों सबसे नीचे की लेयर TCP/IP प्रोटोकॉल की सबसे नीचे की लेयर, तो सबसे नीचे की लेयर है नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर की लेयर कौन सी है, ऊपर की लेयर है इंटरनेट लेयर, बीच बीच में पूछते रहो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर कौन सी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, और बच्चों उसके ऊपर की कौन सी लेयर है तो एप्लीकेशन लेयर। तो TCP/IP के अंदर सिस्को सिस्टम के हिसाब से चार ही लेयर होती है, कितनी लेयर होती है बच्चों, चार, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट और नेटवर्क, क्लियर। इसमें दो का काम होता है, OSI की दो लेयर का काम होता है, एक तो कौन सी बच्चों नेटवर्क लेयर, एक तो डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, एक तो कौन सी लेयर डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, और एक है बच्चों फिजिकल लेयर, और इस पे एक ही लेयर का काम होता है, और वो कौन सी है इंटरनेट लेयर,
नेटवर्क लेयर का काम होता है, यहाँ पर नेटवर्क लेयर का काम होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ही होता है, और यहाँ पर तीन लेयर का काम होता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। क्लियर? ये फिजिकल लेयर है, ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा है, मैं बता देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन ये है, वाईमैक्स क्या होता है? तो जो वाईफाई होता है वही वाईमैक्स होता है बच्चों। वाईफाई जो होता है वो लैन है, और वाईमैक्स है वो मेन है, और माइक्रोवेव के ऊपर काम करता है। क्लियर? तो वाईमैक्स का जो स्टैंडर्ड है, वाईमैक्स का जो स्टैंडर्ड है वो है 802.16। अच्छा ब्लूटूथ क्या है बच्चों? तो ब्लूटूथ बच्चों याद रखिए, ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ये सब टेक्नोलॉजी के नाम है बच्चों। वाईफाई थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है, सबसे छोटा ब्लूटूथ होता है, फिर वाईफाई होती है, फिर वाईमैक्स होता है। ये क्या चीज है? तो ये वायरलेस है, ये भी वायरलेस है, ये भी वायरलेस है। तो बच्चों अगर इनकी क्षमता की बात करें तो ब्लूटूथ की क्षमता कम होती है, वाईफाई की और ज्यादा होती है, वाईमैक्स की और ज्यादा होती है। इसको अपन ये बोल सकते हैं वायरलेस मैन, वायरलेस मैन बच्चों, वायरलेस मैन भी कह सकते हैं इसको। और इसको क्या कहते हैं? वायरलेस लैन। वाईफाई को क्या कहते हैं? वायरलेस लैन। वाईफाई को कहते हैं वायरलेस लैन। याद रखना बच्चों, यहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं। इसको कहते हैं वायरलेस लैन, और बच्चों इसको कहते हैं वायरलेस पैन, वायरलेस पैन, ये याद रखिए वायरलेस पैन। क्लियर है? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। इथरनेट है, ये वायर्ड लैन है, ये क्या है? वायर्ड लैन है, ये वायर्ड लैन है। तो बच्चों अगर बाजार में जाओ, तुम ये बोलो कि मेरे को इथरनेट का सेटअप करना है, तो आपको ये बताना होगा 802.3। बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बच्चों क्लियर याद रखिए, ये एक संस्था का नाम है जो जितने भी नेटवर्क इक्विपमेंट्स बने बच्चों उनको स्टैंडर्ड देने का काम करती है। बाजार में जब तुम जाओगे तो बोलो कि मेरे को IEEE 802.3 का सेटअप करना है, तो आपको उसी तरीके का देगा। अगर आप ये बोलो कि मेरे को वाईफाई, तो बच्चों 802.11 ये वाईफाई, ब्लूटूथ बच्चों 15, और बच्चों 802 ब्लूटूथ में 0.1 और चलता है, लेकिन नहीं है तो क्या करें बच्चों? याद रखना, क्योंकि ये वायरलेस पैन का हिस्सा है, इसलिए क्या हो गया बच्चों? 802.15.1। क्लियर? और वाईमैक्स क्या है? तो वायरलेस मेन है, वायरलेस मेन है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? एडहॉक टेक्नोलॉजी, वेरी गुड, ब्लूटूथ एडहॉक टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर एडहॉक टेक्नोलॉजी पे काम करता है ना? यस बिल्कुल, लेकिन एडहॉक टेक्नोलॉजी क्या है? एडहॉक टेक्नोलॉजी का बच्चों मतलब ये होता है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे अपने नेटवर्क चेंज होते जाएंगे। क्लियर है बच्चों? मतलब बार बार कनेक्शन बनते जाएंगे, बार बार अपन आगे बढ़ते जाएंगे, कनेक्शन बनते चले जाएंगे। इथरनेट में तो एक फिक्स कनेक्शन होता है, लेकिन जो वायरलेस होते हैं उनमें एडहॉक नेटवर्क बनते रहते हैं। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, वाईफाई स्पीड लेस देन लाईफाई, सो इट इज लाईफाई यूज इन, चलो बता देंगे, है ना, बता देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इधर देखिए, एक बच्चा वाईफाई लाईफाई में अंतर पूछ रहा है, बता देता हूं, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं याद रखना, एज इट इज क्वेश्चन छपेंगे। क्या ये क्वेश्चन नहीं आया था? क्या ये क्वेश्चन नहीं आया था बच्चों? कहां पर कौन सा होता है तो दिमाग में लाइए। क्या ये क्वेश्चन नहीं आया था आपका? क्या ये क्वेश्चन नहीं आया था वाईमैक्स का? आया था, याद करो, मेरे क्वेश्चन कभी बाहर जाते ही नहीं, वाईमैक्स का स्टैंडर्ड डायरेक्टली पूछ लेगा। इसमें बहुत सारी सीरीज आ रही है बच्चों, 16.1, 2, 3, वो सब वाईमैक्स की सीरीज है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर इसका क्या मतलब है? कॉग्निटिव रेडियो, तो बच्चों ये भी वायरलेस ही होता है, ये भी वायरलेस ही होता है, ये भी क्या होता है? वायरलेस ही होता है। और बच्चों ये क्या है? कमरे के अंदर, मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस के ऊपर अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये याद रखना बच्चों, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। एक वायर्ड फुल है, बाकी सब वायरलेस है। इंटरनेट की खोज कब हुई थी? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इंटरनेट की खोज कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। पहला इंटरनेट, दुनिया का पहला इंटरनेट अल्पानेट था, और किसने बनाया था? डरपा ने बनाया था, डरपा ने बनाया था, याद रखना बच्चों। क्लियर? और याद रखिए IEEE 802.15.1 ये ब्लूटूथ का होता है, लेकिन ऑप्शन अपने पास इस तरीके के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेन का एक पार्ट है, ब्लूटूथ पेन का पार्ट है, वाईफाई लैन का पार्ट है, वाईमैक्स मेन का पार्ट है। वाईमैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी। क्लियर? वर्ल्ड वाइड इंटरनेट ऑपरेबिलिटी ऑन माइक्रोवेव एक्सचेंज। क्लियर है बच्चों? ये याद रखना, माइक्रोवेव
माइक्रोवेव, इसमें कौन सी ब्लूटूथ, इसमें रेडियो वेव, रेडियो वेव में भी कौन सी इंफ्रारेड, इसमें इंफ्रारेड, बच्चों क्लियर, वाईफाई इसमें रेडियो वेव, रेडियो वेव क्लियर, तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, इतने डीप में भी मत जाओ, बस तुम तो इतना याद रखो ये वाई मैक्स है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, ये कम्युनिकेशन होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और क्लियर कर देंगे, IEEE स्टैंडर्ड रट लेना, आएगा यहां से, आएगा यहां से, सब आ जाएगा बच्चों, तुम इतनी जल्दीबाजी करते हो जिसकी कोई हद नहीं है, एक भी क्वेश्चन पढ़ाने के बाद तुम नहीं पूछ सकते मेरे से, क्योंकि इतना कुछ मैं आपको नॉलेज दे जाता हूं, लेकिन पेशेंस रखिए, एक ओएस पूछ रहा है और एक क्या पूछ रहा है, क्लियर, तो ऐसे नहीं चलेगा, टॉपिक के ऊपर आ जाइए, टॉपिक के ऊपर आ जाइए, पिकोनेट मैंने पढ़ा दिया पिछले वीडियो जाके देखिए, ब्लूटूथ मैंने पढ़ा दिया, स्कैटर नेट मैंने पढ़ा दिया पिछला वीडियो जाके देखिए, 17वें वीडियो पे है इसकी बातें कीजिए, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, विच इज नॉट ट्रू अबाउट वाई मैक्स, ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर टीचर में, वाई मैक्स के लिए क्या सही नहीं है, तो चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं वाई मैक्स। अब वाई मैक्स बच्चों याद रखिए वायरलेस मेन है, अच्छा किसके ऊपर काम करता है, माइक्रोवेव के ऊपर काम करता है, अच्छा याद रखिए दूर तक जाती है रेडियो वेव, रेडियो वेव बहुत दूर तक जाती है, तीन तरीके की वेव के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं बच्चों, टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए तीन वेव के ऊपर चर्चा करते हैं, रेडियो वेव, एक होती है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव और एक होती है बच्चों इंफ्रारेड, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंफ्रारेड समझने की कोशिश करना, मैं इनका पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूं, इंफ्रारेड समझना बच्चों, इंफ्रारेड एक बार शेयर हो जाना चाहिए, एक बार शेयर हो जाना चाहिए, अभी प्रोग्रामर का कोर्स बिल्कुल लोएस्ट कोर्स 1800 रुपए में आ रहा है, आने वाले वैकेंसी आते ही कम से कम 3100 रुपए का हो जाएगा, जिसको लेना है ले लीजिएगा, जबरदस्त क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मैं खुद एक प्रोग्रामर रहा हुआ हूं, उस लेवल की आपको स्टडी कराई जाएगी, जो होता है ना टेक्निकल अप्रोच, C++ जावा क्लियर पाइथन, वो अप्रोच आपको मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए अब क्वेश्चन ये है बच्चों, रेडियो वेव जब अपन बात करते हैं, रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड नाम सुना होगा, कोई ये कहिए क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन आता है सुनो, सबसे ऊपर आता है रेडियो वेव, फिर आता है बच्चों माइक्रोवेव, फिर आता है बच्चों इंफ्रारेड, फिर आता है बच्चों विजिबल लाइट, उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट लाइट, उसके बाद आती है एक्स किरणें, उसके बाद आती है गामा किरणें, पता होना चाहिए एक्स किरणें गामा किरणें, क्लियर है बच्चों, एक कंसेप्ट से मैं आपको समझाता हूं, सबसे ऊपर कौन सी आती है रेडियो वेव, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है, फिर कौन सी आती है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, फिर कौन सी आती है बच्चों इंफ्रारेड, इंफ्रा नाम से ही पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है बच्चों, क्लियर, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है इसलिए वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेडियो वेव दूर तक कम्युनिकेशन करती है, माइक्रोवेव शॉर्ट डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करती है, इंफ्रारेड और छोटी डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करती है बच्चों, सम्मिलित रूप से इनको अपन रेडियो वेव बोल सकते हैं, और बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग है, ये 3 किलोहर्ट्ज़ से लगा के बच्चों 300 गीगाहर्ट्ज़ तक इनकी फ्रीक्वेंसी है, और इनकी फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज़ से लगा के बच्चों 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ सॉरी गलत बोल गया यहां पर 1 गीगाहर्ट्ज़ बच्चों क्लियर, और ये 1 गीगाहर्ट्ज़ से लगा के 1 गीगाहर्ट्ज़ से लगा के बच्चों 300 गीगाहर्ट्ज़ तक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं एग्जैक्ट मत लेना, और 300 गीगाहर्ट्ज़ से लगा के बच्चों 400 टेराहर्ट्ज़, सबको पता है ये किलो है, ये गीगा है, ये गीगा है, ये गीगा है, ये गीगा है, ये टेरा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है विजिबल लाइट, उससे ज्यादा किसकी है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट बच्चों क्लियर, अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट वाईफाई में यूज करते हैं बच्चों क्लियर, विजिबल लाइट वाईफाई में यूज करते हैं बच्चों, रेडियो माइक्रोवेव इंफ्रारेड वाईफाई में यूज करते हैं, वाईफाई बनाना है दूर डिस्टेंस का रेडियो यूज करो, थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस का माइक्रोवेव यूज करो, बिल्कुल छोटे डिस्टेंस का इंफ्रारेड यूज करो, ब्लूटूथ बच्चों बहुत छोटा कम्युनिकेशन है इसलिए अपन इंफ्रारेड, ब्लूटूथ के अंदर अधिकतर इंफ्रारेड यूज आती है, लेकिन बच्चों है तो ये रेडियो ही, कभी आपसे पूछ ले कि आप बताओ ब्लूटूथ है क्या यूज करता है, रेडियो सिग्नल, रेडियो रेडियो सिग्नल, टेलीविजन रेडियो सिग्नल, बच्चों समझने की कोशिश करो, लेकिन बच्चों आप समझो, एक वाईफाई बनाना है तो कौन सी वेव डेवलप करें,
तो बच्चों अगर वाईफाई अगर आपको डेवलप करना है, वाईफाई अगर आपको डेवलप करना है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज और बच्चों 5 गीगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डेवलप करो तो ये वाईफाई बन जाएगा बच्चों। इस रेंज की आपको फ्रीक्वेंसी डेवलप करनी है बच्चों। फ्रीक्वेंसी डेवलप करने वाला कहलाता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट को ये हॉटस्पॉट पे सिग्नल आते हैं और जो ये सिग्नल है ये फ्रीक्वेंसी ये हॉटस्पॉट इन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है बच्चों। फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। ये लीजिए 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। और बच्चों अब जो इसकी रेंज में आएगा ये अरविंद सर है ये घूम रहे हैं इसकी रेंज में तो बच्चों ये इससे क्या होगा कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर होता है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट बच्चों जिसको अपन कहते हैं वाईफाई। वाईफाई ऑन करना तो वाईफाई ऑन करना मतलब वही एक्सेस पॉइंट है। एक हॉटस्पॉट और एक्सेस पॉइंट मियां बीबी है इसकी रेंज में आते ये कनेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखो बच्चों। समझने की कोशिश करो वाईफाई के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वाईफाई आप खुद डेवलप कर सकते हो। आपके डिवाइसेज में हॉटस्पॉट एक डिवाइस आती है जो बच्चों डिजिटल सिग्नल को लेती है और डिजिटल सिग्नल को लेकर यह फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है और 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाईफाई कम्युनिकेशन के लिए फिक्स की गई है और इसके लिए गवर्नमेंट से कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। यह पॉइंट आपके सामने आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करो। कोई कहे सर मैं तो वाईफाई के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करूंगा, तेरी मर्जी है। 3 किलोहर्ट्ज से लगा के अगर 1 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी डेवलप करना चाहता है तो तेरी मर्जी है। यह है कि वो वाईफाई दूर तक जाएगा। लेकिन अगर किसी का हॉटस्पॉट बच्चों 3 गीगाहर्ट्ज से लगा के 300 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी डेवलप करेगा तो बच्चों जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाएगा। और बच्चों और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फिर और नजदीक रह जाएगा। समझने की कोशिश करो। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ब्लूटूथ वाईफाई इनमें क्या यूज करते हैं? रेडियो वेव यूज करते हैं। रेडियो वेव क्यों बोल देते हैं अपन? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का पार्ट है। तो इसको 3 टुकड़ों में मैं मोस्ट बांटता हूं। एक तो रेडियो वेव जो संचार में काम आती है, एक विजिबल जो देखने में काम आती है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट जो देखने में काम आती है। और बच्चों एक चीज और, क्या एक्स किरणें गामा किरणें जो मेडिकल फील्ड में काम आती है। एक्स किरणें गामा किरणें इतनी मोटी होती है कि हड्डियों से नहीं गुजरती है और हड्डियों से नहीं गुजरती है तो बच्चों हड्डियों का मानचित्र ले लेती है। ये होती है एक्स, अपन कहते हैं ना एक्सरे करा के आ रहा। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे किरणें मोटी होती जाएगी। रेडियो वेव ये गुजर गई, ये गुजर गई, ये गुजर गई, माइक्रोवेव गुजर गई, इंफ्रारेड भी गुजर गई, विजिबल लाइट भी मेरे से नहीं गुजर सकती, मेरे इधर अंधकार होगा, अल्ट्रावायलेट बिल्कुल नहीं गुजर सकती, मोटी होती जा रही है, एक्स किरणें गामा किरणें बिल्कुल नहीं गुजर सकती। समझने की कोशिश कीजिए। ये बच्चों दीवारों से निकल जाएगी, ये कुछ मात्रा में निकलेगी। ये पतली होती है, मोटी होती है, पतली होती है, दूर तक जाएगी, मोटी होती है, पास आ जाएगी। तो कॉमन सी बात आपको समझना होगा। इसी तरीके से आपको ऑर्डर तैयार करना है। मैंने खूब नेटवर्किंग पढ़ा रही है ब्रह्मांड की, इतनी नेटवर्किंग मैंने पढ़ाई है कि किताबों में भी नहीं मिल सकती आपको। कभी आप कोर्स देखिएगा प्रोग्रामर का, आपका दिमाग ओपन होगा कि यार ये नेटवर्किंग होती है क्या, हमने पता नहीं क्या किया था कॉलेज लाइफ में। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। WEP, WPA, WPA2, WPA3 ये सिक्योरिटी है बच्चों, वाईफाई की सिक्योरिटी। वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, आ जाएगा। ब्लेक टू स्टडी आ जाएगा, जिस दिन इसका टाइम आएगा ये भी आ जाएगा। बस इस बात पे एक बार शेयर कर दो। कोई अगर पूछे कि सबसे दूर तक कौन जाती है, रेडियो वेव, फिर जाती है माइक्रोवेव, फिर जाती है इंफ्रारेड। ये ओमनी डायरेक्शनल है, ये ओमनी डायरेक्शनल है बच्चों। ये ओमनी मतलब चारों तरफ फैलती है। एक चीज और बता देता हूं, रेडियो वेव दूर तक जाती है, तभी तो अपन बोलते हैं ना रेडियो चला, दिल्ली से सिग्नल आ रहे हैं रेडियो वेव के दिल्ली से। लेकिन रेडियो वेव के अपने स्पेक्ट्रम होते हैं, किसी को फ्री में नहीं दिए जाते हैं, याद रखिए, किसी को फ्री में नहीं दिए जाते हैं। स्पेक्ट्रम है, रेडियो के स्पेक्ट्रम लॉन्च होते हैं बच्चों, सबको पता है। एक ये भी ध्यान रखना, एफएम रेडियो है, इसके स्पेक्ट्रम 88 से लगा के 110 मेगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम है इसके। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, एफएम रेडियो की रेंज ये है। तुमने सुना होगा 92.7 एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है 92.7। किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर 95 पे अलग सिग्नल जा रहे होंगे, 92.7 पे अलग सिग्नल जा रहे होंगे, 91 पे अलग सिग्नल जा रहे होंगे, 88 पे अलग सिग्नल जा रहे होंगे। तो बच्चों
जब अपन अपने ट्यूनर एसएच पॉइंट के अंदर इसको मैच करते हैं, इसको मैच करते हैं या 88 करते हैं तो ये रेडियो बजेगा, और बच्चों जब इसको 92.7 पे मैच करते हैं तो ये रेडियो बजेगा, और जब मैं इसको 95 पे सेट करता हूं तो बच्चों घुमा के सेट करो ये रेडियो बजेगा। मेरे हिसाब से पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सर अब बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपके ऊपर टिका हुआ है कि आप कोई डेटा सिग्नल आए तो उसको किस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो। क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से अंत तक आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। खूब समझाने की कोशिश की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ जाएंगे तब होगी, तीन जो होती है रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ये बच्चों वाईफाई के अंदर काम में आ सकती है, इसलिए संयुक्त रूप से इनको बोलते हैं वाईफाई हमेशा रेडियो कम्युनिकेशन करवाता है। क्लियर? चलिए, और बच्चों लाइफाई के अंदर विजिबल लाइट काम आती है, जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश से जो लाइट आती है वो विजिबल लाइट आती है, जो अपन को दिखाती है, तो लाइफाई में विजिबल लाइट को यूज करते हैं। क्लियर? और एक्स किरणों और गामा किरणों को मेडिकल फील्ड के अंदर यूज किया जाता है, और बच्चों उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होती है, इसलिए रेडियो वेव दूर तक जाती है, जो फटफड़ाएगा ज्यादा वो खत्म हो जाएगा, रेडियो वेव फटफड़ाता कम है, फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए दूर तक जाएगा। एक चीज और समझ लो बच्चों, ये रट लेना 88 से 110 मेगाहर्ट्ज, एक चीज और रट लेना बच्चों, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं, कोई चीज याद आएगी तो मैं बताऊंगा, फिर अगर आपके दिमाग में आए कि सर हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया देते रहिए तो काम हो जाएगा, तो समझ जाइए, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाई मैक्स के हिसाब से विच इज नॉट ट्रू अबाउट वाई मैक्स, एक बार शेयर कर दो बच्चों, शेयर कम हुआ आज, कल 100 तक लाइव पहुंच गए थे, आज काम है बच्चों, दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। हाँ जी, वाई मैक्स अभी तो मैंने बताया था, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सचेंज, क्लियर है बच्चों, IEEE 802.16 ये इसका स्टैंडर्ड है बच्चों। वो क्या है ये, अगर देखा जाए तो क्या है, तो बच्चों देखा जाए तो ये बच्चों मेन है, मेन कम्युनिकेशन है, सिटी को कवर कर सकता है, वाईफाई बच्चों एक किलोमीटर के आसपास चलता है, ब्लूटूथ बच्चों 10 मीटर तक चलता है, और वाईमैक्स उसका बड़ा रूप है बच्चों, पूरी सिटी को कवर कर सकता है, तो पूरी सिटी के अंदर जो नेटवर्क बनाना है वो है वाईमैक्स। क्लियर? चलो, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसएच, वेरी गुड, ठीक है। अब बच्चों वाईमैक्स की अगर मैं बात करूं तो समझना, वाईमैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सचेंज, बिल्कुल सही है, ये तो आपसे पूछा नोट ट्री बताना है तो ये तो आंसर नहीं है। वाईमैक्स इज प्राइमरीली डिजाइन फॉर फिक्स्ड एंड नोमेडिक ब्रॉडबैंड वायरलेस एसएच, बिल्कुल सही है बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है, याद रखना जब वाईमैक्स की बात करें तो ये एसएच थोड़ी हॉटस्पॉट 2.45 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, अरे यहां तो आपको जो वाईफाई है ना, वाईफाई के लिए आपको गवर्नमेंट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाईमैक्स की जब मैं बात करूंगा तो बच्चों आपको स्पेक्ट्रम लेने की जरूरत पड़ेगी, और बच्चों गवर्नमेंट जो आपको स्पेक्ट्रम देगी उसी के ऊपर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी डेवलप करके पूरी सिटी में फैलाना, ये होता है वाईमैक्स टेक्नोलॉजी बच्चों। क्लियर? ये रेडियो की तरह स्पेक्ट्रम नीलाम होते हैं, जैसे वाईमैक्स टेक्नोलॉजी के स्पेक्ट्रम नीलाम होते हैं जैसे एफएम रेडियो, समझ में आ गया? तो एफएम रेडियो जो वर्ड बोलता हूं मैं वो वाईमैक्स का ही पार्ट है बच्चों, समझने की कोशिश करो, एफएम रेडियो कुछ अपनी सिटी सिटी के अंदर फैलता है बच्चों, और याद रखिए एफएम के लिए, एफएम रेडियो के लिए जो फ्रीक्वेंसी फिक्स की गई है वो कितनी है, 110 मेगाहर्ट्ज, इसके बीच में फ्रीक्वेंसी फिक्स की गई है, ये वाईमैक्स का ही एक पार्ट है। क्लियर? एक बार मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए सर, सोर्स कोड, सूडो कोड, बाइनरी कोड में क्या डिफरेंस है, पंकज चौधरी बता देंगे, लास्ट में पूछ लेना एक बार, सोर्स कोड, सूडो कोड, बाइनरी कोड में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों एक चीज सुनो, सूडो कोड और सूडो कोड क्या होता है, टॉपिक सेट किया अपन, क्लियर, टॉपिक सेट रहे अपन, दो मिनट रुक जाओ या लास्ट में पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा, तो ये सही है कोई दिक्कत नहीं कि भाई यहां तो बच्चों आपको एक फिक्स्ड जो बेनिफिट मिलेगी उसी में कम्युनिकेशन करना है, बिल्कुल सही है। वाईमैक्स ऑपरेट ऑन लाइसेंस्ड एंड अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम बैंड्स, हाँ दोनों कर सकते हो, अनलाइसेंस का थोड़ा सा रहता है कि ज्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा, लाइसेंस में बच्चों पूरी सिटी का लाइसेंस मिलेगा।
वाईमैक्स एज ए शॉर्टर रेंज कंपेयर टू वाईफाई, ये बिल्कुल गलत है। डी, वाईमैक्स की रेंज बड़ी होती है किससे, वाईफाई से। क्या ये क्लियर है बच्चों? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर। अरे कुल मिला के इतना सा है, एक तो लैन होता है जो छोटा है, तो जो वाईफाई लैन होता है, जो वाईफाई लैन होता है, जो बच्चों वायरलेस लैन होता है उसको वाईफाई कहते हैं, और जो वायरलेस मैन होता है उसको वाईमैक्स कहते हैं। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो सब कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। गुरुजी यार आप बीच टॉपिक में नई चीज घुसा देते हो, मना कर देंगे, मना कर देंगे, लास्ट में पूछ लेना है ना, लास्ट में पूछ लेना जो भी आपके डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर, जैसे सूडो कोड है, बाइनरी कोड क्या है, सोर्स कोड क्या है, ये सब समझा देंगे, है ना बच्चों। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं वाईमैक्स लाइसेंस और अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम बैंड के ऊपर दोनों चलते हैं क्या? तो बच्चों ऐसे तो लाइसेंस ही चलते हैं, लेकिन हाँ अगर किसी ने बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं कोई, है ना, गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं ले, अपना खुद की फ्रिक्वेंसी डेवलप करे उसके हिसाब से चल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है रेडियो वेव, इनमें अंतर देखना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। तो रेडियो वेव ओमनीडायरेक्शनल होती है, तो बच्चों चारों तरफ फैलती है। अब बच्चों याद रखिए, दूर तक जाती है, दूर दूर तक जाती है, दूर दूर तक जाती है। अब बच्चों यहां कम्युनिकेट होना हो जाएगा। माइक्रोवेव में बच्चों सेंडर और रिसीवर आमने सामने होते हैं, बच्चों सेंडर और रिसीवर आमने सामने होते हैं, और बच्चों ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाती, शॉर्ट डिस्टेंस तक जाती है, और शॉर्ट डिस्टेंस कितनी बच्चों, 1 किलोमीटर तक। क्लियर? और बच्चों इंफ्रारेड होती है, बहुत नजदीक होती है, 10 मीटर तक की रेंज में, और आमने सामने होते हैं बच्चों। क्लियर? यूनिडायरेक्शनल, माइक्रोवेव यूनिडायरेक्शनल गति करती है, सब बना सकते हैं अपन बच्चों। जो आपका हॉटस्पॉट होता है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी को जनरेट करवाना चाहो करवा सकते हो आप बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, जिस रेंज की डेवलप करोगे वैसी प्रतिक्रिया देगी, ये प्रकृति के अंदर है, पहले से प्रीडिफाइन है कि प्रकृति के अंदर है कि 3 किलोहर्ट्ज से लगा के अगर 1 गीगाहर्ट्ज के बीच में फ्रिक्वेंसी डेवलप करोगे तो इस नेचर की होगी। और बच्चों 1 गीगाहर्ट्ज से लगा के 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डेवलप करोगे तो इस नेचर की होगी। और बच्चों 3 गीगाहर्ट्ज से लगा के 400 टेराहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी डेवलप करोगे तो इस नेचर की होगी। समझ जाइए, कम दूर तक, थोड़े ज्यादा दूर तक, बहुत दूर तक जाएगी रेडियो। ये सारी की सारी मिक्सित रूप से क्या बोलती है, रेडियो कम्युनिकेशन। तो बच्चों कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स, ये रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं। क्लियर? और वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं सारे के सारे। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन में खूब टाइम दे दिया 15 मिनट, फिर भी नहीं समझ में आए तो निजी प्रॉब्लम है। क्लियर? चलिए, अनलाइसेंस कम होता है बच्चों। कोई मान लो किसी कंपनी ने बना लिया, टीसीएस ने बना लिया कि ठीक है यार मेरे अपने अपने फील्ड कोई कवर करना है, मेरे को कंपनी कवर करनी है, मेरे को पूरे बेंगलोर से मतलब नहीं है, तो उस पैटर्न में समझा रहा है। क्लियर है? उस पैटर्न में समझा रहा है। आ गया क्या शो मिरर? ये क्लियर है? जब अनलाइसेंस चला सकते हैं तो लाइसेंस कोई क्यों लेगा? अरे भाई लाइसेंस इसलिए लेगा, पूरे सिटी में थोड़ी चला सकते हो गवर्नमेंट की बिना परमिशन के, तो फिर वो गवर्नमेंट जो फ्रीक्वेंसी देगा उसी के ऊपर आपको काम करना होगा। लेकिन अगर अपने कमरे कमरे के अंदर बात करें, कैंपस के बात करें, कंपनी के अंदर बात करें, तो बच्चों आप किसी दूसरे को तो डिस्टर्ब कर ही नहीं रहे ना, तो वहां अनलाइसेंस्ड बोल रहा हूं। क्लियर? मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात थी। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन आता है, ओमनीडायरेक्शनल कौन है रेडियो, यूनिडायरेक्शनल कौन सा है माइक्रोवेव, यूनिडायरेक्शनल कौन सा है इंफ्रारेड, तीनों से क्या होता है बच्चों, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, वाईफाई बच्चों, ब्लूटूथ बच्चों, वाईफाई, ब्लूटूथ, वाईमैक्स, इन्हीं को यूज करते हैं। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ऑर्डर वाइज जमाओ, ब्लूटूथ की शॉर्ट रेंज 10 मीटर, वाईफाई की रेंज 1 किलोमीटर तक, और बच्चों अगर वाईमैक्स की बात करें तो कई किलोमीटर तक फैल सकती है। दोनों के लिए, ब्लूटूथ के लिए और वाईफाई के लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं, वाईमैक्स के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है बच्चों। एफएम किसका एक रूप हो सकता है, तो वाईमैक्स का रूप हो सकता है, और एफएम की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एफएम के लिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है स्पेक्ट्रम 88 से लगा के 110 मेगाहर्ट्ज तक का। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते जाइएगा। क्वेश्चन पढ़ो, विच इज नॉट करेक्ट इन वाईफाई एंड लाईफाई। वाईफाई और लाईफाई में कौन करेक्ट नहीं है, ये टेलीकम्युनिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों, समझने की कोशिश करना। वाईफाई लाईफाई आ जाता है, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी का मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन, और लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी, यानी लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन। बच्चों वाईफाई के अंदर रेडियो वेव काम में आती है,
और लाइफ आई के अंदर विजिबल लाइट काम आती है, और बच्चों लाइफ आई के अंदर जो विजिबल लाइट काम आती है उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, कि इसकी बजाय बच्चों रेडियो वेव की बजाय जो प्रकाश होता है दृश्य प्रकाश उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। दूसरी बात, एक चीज और आपके दिमाग में रखना है कि जो वाईफाई होता है बच्चों उनको वाईफाई कम्युनिकेशन के लिए एक लाइन ऑफ साइट में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाईफाई रेडियो के थ्रू भी हो सकता है, रेडियो वेव के थ्रू भी हो सकता है, तो बच्चों ओमनी डायरेक्शनल होती है, कहीं पर भी चले जाएगी और कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन बच्चों लाईफाई प्रकाश की एक आदत है, बच्चों सेंडर और रिसीवर आमने सामने होने चाहिए। जब अपन टॉर्च करते हैं ना किसी के, तो बच्चों वही चमकेगा जिसकी तरफ टॉर्च कर रहे हो, तो प्रकाश में सेंडर और रिसीवर आमने सामने होने चाहिए। लाईफाई की रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती, क्यों? क्योंकि बच्चों इसलिए क्योंकि सेंडर और रिसीवर को आमने सामने रखना पड़ता है। वाईफाई की रेंज बढ़ा सकते हो आप, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन वाईफाई बच्चों याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनसे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन लाईफाई ज्यादा प्रभावित नहीं होता क्योंकि उनकी खुद की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। देखिए बच्चों, अगर मान लो आपकी टीवी चल रही है, टीवी चल रही है, और टीवी के पास अगर मान लीजिए कोई कॉल आया, फोन के ऊपर कॉल आया, तो आपकी टीवी है ना वो आवाज करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है टीवी के अंदर जो सिग्नल आ रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, और आपके आ रहे हैं वो भी रेडियो सिग्नल है। तो जो वाईफाई के सिग्नल है, रेडियो सिग्नल है बच्चों, वो क्या होते हैं? इंफ्रारेड होते हैं, मतलब परेशान होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, किससे? किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से। लेकिन लाईफाई में ऐसा नहीं है बच्चों, जब प्रकाश आ रहा है बच्चों और यहाँ पर मान लीजिए रेडियो चल रहा है, तो बच्चों प्रकाश क्या आपके ऐसे होता है क्या, या कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या प्रकाश के ऊपर? नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज वाईफाई और लाईफाई के अंदर लगा दीजिए, क्लियर है? मान लो प्रकाश आ रहा है सूर्य से, अब बच्चों प्रकाश आ रहा है, विजिबल लाइट आ रही है, और यहाँ पर रेडियो, रेडियो वेव आ गई, रेडियो मतलब मोबाइल बजने लग गया, तो आप बताइए कोई इफेक्ट पड़ेगा विजिबल लाइट पे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्लियर? मेरे हिसाब से अंत तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? IEEE 802.11 and 802.11H, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्लियर है बच्चों? समझने की कोशिश करना। अब बच्चों विच इज नॉट करेक्ट इन वाईफाई एंड लाईफाई, वाईफाई यूज विजिबल लाइट गलत है, वाईफाई विजिबल लाइट को यूज करती नहीं है फॉर डेटा ट्रांसमिशन, गलत है। वाईफाई हैज ए लॉन्गर रेंज कंपेयर टू लाईफाई, बिल्कुल सही है, वाईफाई की रेंज बहुत लॉन्ग होती है, और लाईफाई में सेंडर और रिसीवर आमने सामने रखने पड़ते हैं बच्चों, क्लियर? ये लाइट छोड़ेगा वो लाइट को कैच करेगा, क्लियर है बच्चों? याद रखिए, इसका मतलब ये सही है, आपको नोट करेक्ट बताना है। आपका आंसर तो आ गया, आपका आंसर तो आ गया, वाईफाई इज ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से ये परेशान होता है बच्चों, इसको डिस्टर्ब करते हैं। वाईफाई ऑपरेट प्राइमरली इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही है बच्चों, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, सही बात है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस स्पेक्ट्रम में वाईफाई बनाया जा सकता है। लाईफाई हैज ए शॉर्टर रेंज कंपेयर टू वाईफाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि आमने सामने रखना पड़ता है। लाईफाई इज इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, डिस्टर्ब नहीं होती है बच्चों, डिस्टर्ब नहीं होती है, बिल्कुल सही है कि लाईफाई डिस्टर्ब नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। लाईफाई कैन नॉट ऑपरेट इन आउटडोर एनवायरमेंट, आउटडोर एनवायरमेंट में नहीं कर सकते। आउटडोर का मतलब है बच्चों मतलब बहुत डिस्टेंस तक, खुला खुला, जहां नजर जाए वहां तक, तो नहीं कर सकते बच्चों, ये आउटडोर नहीं कर सकते बच्चों, क्लियर? ये आउटडोर नहीं कर सकते, सही कह रहा है ये गलत? लाईफाई कैन नॉट, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों, क्लियर? आउटडोर अपन कहते हैं ना, अरे खिड़की से बाहर देखो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है बच्चों, खिड़की के अंदर हो कुछ नहीं दिख रहा, तो बच्चों लाईफाई ऐसे ही बनाए कि फिक्स एरिया के लिए बनाए, क्लियर? नेक्स्ट, लाईफाई इज नॉट एज सिक्योर एज वाईफाई, तो बच्चों लाईफाई इज नॉट सिक्योर एज वाईफाई, लाईफाई इतना सिक्योर नहीं है, लाईफाई इज नॉट एज सिक्योर एज वाईफाई, गलत है, दोनों में एक ही प्रोटोकॉल यूज आता है बच्चों, समझना बच्चों, दोनों में एक ही प्रोटोकॉल यूज आता है सिक्योरिटी के लिए, तो बच्चों लाईफाई इज नॉट एज सिक्योर एज वाईफाई, तो लाईफाई नॉट करेक्ट इन वाईफाई एंड लाईफाई, लाईफाई इज नॉट सिक्योर, लाईफाई इज नॉट एज सिक्योर, ये वर्ड भी गलत हो गया क्योंकि उसने गलत पूछा है, लाईफाई इज नॉट एज सिक्योर एज वाईफाई, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि सिक्योरिटी दोनों की लगभग लगभग सेम है, क्लियर? दोनों ही सेम है, दोनों की सिक्योरिटी सेम है, तो ये वर्ड भी गलत हो गया, आपके दो गलत है इसमें, क्लियर है बच्चों? इसमें दो गलत है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सर एक्सेल में काउंट एंड काउंटर समझा दीजिए, काउंट का मतलब होता है बच्चों कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज है,
और काउंटर का मतलब है कितनी सेल भरी हुई है, कितनी सेल भरी हुई है। क्लियर? हाँ जी, करें स्टार्ट नेक्स्ट सेकंड। अब बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, लाइफाई इज नॉट एज सिक्योर एज वाईफाई, इसकी जगह ये होना चाहिए लाइफाई इज एज सिक्योर एज वाईफाई, तब तो सही होता ही। अब बच्चों ये कह रहा है लाइफाई उतना सिक्योर नहीं, लाइफाई को सिक्योर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, वो ऐसा का वैसा रूल लागू होता है बच्चों, समझ जाइए। देखो बच्चों जो भी आपके लास्ट वाले पॉइंट है ना, जो लास्ट वाले पॉइंट होते हैं ना, जैसे कोई एक्सेल पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, तो उस समय पूछ लेना ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे डिस्टर्ब होती है क्लास में। यह तो है नहीं कि मैं वो टीचर की तरह बताता नहीं, बताता सब हूं, बताता सब हूं, कोई याद नहीं आया तो कल बता देंगे, लेकिन हाँ याद रखना बच्चों ऐसे डिस्टर्ब होती है क्लास। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मेरे हिसाब से पूरी चीजें आपके समझ में आ गई होगी, लाइफ फाई इज एज सिक्योर एज वाई फाई, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट की जगह ये कर लेना। बच्चों दो दो क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाए, तो हो सकता है दो क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज, प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज कौन सी नहीं है, सोचो विचार करो, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है और हर बार आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है। बच्चों एक चीज बताइए, एक तो मैं कोचिंग के बच्चों को पढ़ा रहा हूं अंदर ही अंदर कमरे के अंदर, तो मैं प्राइवेट आईपी से पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो कैसे जाओगे? तुम्हारा है क्या राउटर? तुम्हारा है क्या को एक्सेल केबल? तुम्हारी है क्या फाइबर ऑप्टिक्स केबल? तुम्हारे है क्या ब्रिज व्रिज, ये सब तुम्हारे है क्या? नहीं है, तुमको तो किराए पे दिया जाता है, लो बात कर लो, लो डेटा भेज दो, फाइलें भेज दो, तुमको तो बात करने के लिए दिया जाता है। सर्वर तुम्हारे है क्या? तुम्हारे कुछ भी नहीं है, तो तुम किसके पास जाते हो? तुम जाते हो आईएसपी प्रोवाइडर के पास। आईएसपी प्रोवाइडर क्या करता है? तो जो इंटरनेट सेटअप किया है उन कंपनियों से आईएसपी प्रोवाइडर ये कहता है कि तुम एक एक से क्या पैसा इकट्ठा करोगे, एक एक दस दस पैसा तुम हमसे ले लेना और हम इन लोगों को सर्विस दे देते हैं। आईएसपी प्रोवाइडर जियो एयरटेल वोडाफोन आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो जब बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसके लिए मैंने आईएसपी से अनुमति ली है कि भाई एक काम करो मेरे को पब्लिक आईपी प्रोवाइड करा दे। तो आईएसपी ने क्या कहा कि यार पब्लिक आईपी चाहिए, ठीक है ले लीजिए पब्लिक आईपी ले लीजिए और कम्युनिकेट कर लीजिए, लेकिन ये पब्लिक आईपी मैं तुमको एक महीने के लिए दूंगा जब तक तुम्हारा चार्ज है, और चार्ज खत्म होते ही इस पब्लिक आईपी को मैं दूसरों को अलॉट कर दूंगा। लेकिन बच्चों एक बार बताइए, मैं अगर यही लोगों को पढ़ा रहा हूं कमरे में तो मेरे को पब्लिक आईपी की जरूरत ही नहीं, मेरे को आईएसपी प्रोवाइडर की जरूरत ही नहीं, मेरे को जियो एयरटेल वोडाफोन किसी की जरूरत है ही नहीं, मैं क्या करूंगा आपस में कम्युनिकेशन कर लूंगा और किससे करूंगा बच्चों? प्राइवेट आईपी से। इसलिए प्राइवेट आईपी रिजर्व की गई है। बच्चों मेरे नेटवर्क में प्राइवेट आईपी और उधर के नेटवर्क में प्राइवेट आईपी और उधर के नेटवर्क में प्राइवेट आईपी सेम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन वो प्राइवेट आईपी क्या बनाऊंगा ये फिक्स किया गया है IANA के द्वारा। IANA बच्चों क्लियर, इंटरनेट एसेस नंबर अथॉरिटी। IANA ने बोला, IANA बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, हर चीज के लिए बोलता है कि आईपी ये काम आएगा, ये आईपी ये काम आएगा, ये आईपी ये काम आएगा, बहुत सारे आईपी है। कभी मेरे वीडियो को देखना हो, 11 घंटे का मैंने डाल रखा, दुनिया के हर एक आईपी के बारे में चर्चा की है। क्लियर है बच्चों? चलिए टॉपिक पे आ जाए, टॉपिक पे आ जाए तो IANA इंटरनेट एसेज नंबर अथॉरिटी। बच्चों क्लियर? चलिए तो बच्चों उसने ये बोला कि अगर तुमको पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क बनाना है तो ठीक है, ये तीन रेंज मैं आपको दे रहा हूं हर क्लास की। तो बच्चों ये क्लास ए में, क्लास ए के अंदर अगर प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, क्लियर, तो तुम ये भी छोड़ दो, तुम तो ये याद रखना, ये याद रखना बच्चों 10000 से 10255 255 255, 172 16 से 172 31 255 255, 192 168 से 192 168, 00 255 255। बच्चों ये तो है आपकी कौन सी प्राइवेट रेंज बच्चों, क्लियर, और ये प्राइवेट नहीं हो सकती बच्चों, कभी भी आपके नेटवर्क का प्राइवेट आईपी ये नहीं हो सकता। प्राइवेट आईपी एक लोकल एरिया में कम्युनिकेशन करने के लिए बनता है बच्चों, क्लियर, याद रखिए, मेरे हिसाब से अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अगर मेरे को प्राइवेट आईपी है मेरे पास और मेरे को इंटरनेट पे जाना है,
तो बच्चों मेरा प्राइवेट आईपी को रिजोल्व करना पड़ेगा पब्लिक आईपी से। मेरे को यहां अरविंद कहते हैं लेकिन मेरे गांव में बना कहते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद रिजोल्व हो जाता है बना से, वहां मेरी पहचान अलग है या मेरी पहचान अलग है, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे एड्रेस होते हैं जो एक दूसरे को रिजोल्व करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों वापस सुनो, मान लीजिए मैं यहां पर हूं, मैं लोकल बंदों को फड़ा रहा हूं तो मेरा प्राइवेट आईपी काम आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इंटरनेट पे जाऊंगा तो बच्चों मेरा प्राइवेट आईपी छुप जाएगा और मेरा पब्लिक आईपी काम करने लग जाएगा। जो मैंने जियो से लिया है वो आईपी काम करेगा और इंटरनेट पे पब्लिक आईपी काम आता है और फिर बच्चों दूसरे नेटवर्क पे पहुंचा देगा और दूसरे नेटवर्क पे फिर नेट काम करेगा, उस पब्लिक आईपी को छुपा के प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर देगा और उस बंदे तक आपका डेटा पहुंच जाएगा। प्राइवेट आईपी, पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट, इस तरीके से चलता है और ये काम करता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट, नेट एक सर्वर है जो बच्चों आपके प्राइवेट आईपी को रिजोल्व करता है किसके अंदर, पब्लिक आईपी के अंदर, और पब्लिक आईपी को वापस प्राइवेट आईपी के अंदर रिजोल्व करता है। क्या ये क्लियर है? कन्वर्ट प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस, वेरी गुड। सर पूरे अलोवा के बारे में एक्सप्लेन आ रहा है, अलोवा आ रहा है, समझा देंगे। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। सर सारे फिल्टर को खुल गए, हर एससीआईटी जैसे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, हाँ दुकानें बंद हो गई। सही कह रहे हो भाई, मैं थोड़ा नेट इंटरनेट पे अपने ऑनलाइन थोड़ा लेट आया हूँ बच्चों, कोई बात नहीं, लेकिन कवर कर देंगे आपके आईए का पूरा कोर्स, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, इतनी वैकेंसी आ रही है भरमार, आने वाला फील्ड आईटी फील्ड बच्चों सदा सदा के लिए एक्टिव होने वाला है, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि इतनी जॉब है इस फील्ड में जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप ही प्रोग्रामर बन जाना, आप ही कंप्यूटर टीचर बन जाना। क्लियर सर? नेट एंड पेट, पेट क्या है, पेट क्या है ये तो पता ही नहीं। नेट तो है एड्रेस, बच्चों नेट, नेट अभी जस्ट बताया मैंने, नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो प्राइवेट को किसमें चेंज करता है, पब्लिक में, पब्लिक में चेंज करता है। क्लियर, क्लियर है? चलिए प्योर अलावा आ रहा है बच्चों, आ रहा है, आगे क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, जैसे जैसे कोई क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं समझा दूंगा। चलिए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्या ये प्राइवेट आईपी के रूप में यूज कर सकता हूं? नहीं बच्चों, अगर मैं इसको अपना कंप्यूटर का प्राइवेट आईपी बनाऊंगा तो ये काम नहीं करेगा, केवल यही काम करेगा, इतना आपके सामने आ जाना चाहिए। बच्चों सब कुछ फिक्स है, आईएएनए क्वेश्चन आ जाता है, आईएएनए क्या है? पूरे आईपी का मालिक है, तो आईएएनए से कौन लेता है? आईएसपी प्रोवाइडर लेता है, आईएसपी प्रोवाइडर लेता है। बच्चों क्लियर? सारे आईपी का मालिक आईएएनए है और उसने फिक्स कर रखा है ये आईएसपी हम किसी भी कंपनी वाले को नहीं देंगे। बच्चों उनमें से प्राइवेट वाले भी है, ये किसी को नहीं दिया जाएगा, इनके अलावा भी बहुत सारे आईपी है, ये रेंज याद रखना बच्चों। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था 172.16 बच्चों 53, क्या ये प्राइवेट आईपी की रेंज में आता है? तो 172.16 बिल्कुल आ रहा है, 53 बच्चों इन दोनों के बीच में बिल्कुल है, हर एक से कंपैरिजन जीरो और इसके बीच बिल्कुल है, जीरो और इसके बीच बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं बच्चों यहां पर 17 कर दूं, 17 कर दूं तो एक एक चीज को मिलाओ 172, ये रेंज में नहीं है, इसका मतलब प्राइवेट आईपी नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट प्राइवेट आईएसपी ऑफ इंडिया सत्यम इन्फो, ठीक है बच्चों। ये एक बच्चा पूछ रहा है कि भाई फर्स्ट जो आईएसपी प्रोवाइडर था इंडिया का वो कौन है? सत्यम इन्फो, जो घोटाले में पकड़ी गई थी बच्चों। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सब हो जाएंगे। पहले कंसेप्ट को समझो, नेट क्या है? तो बच्चों प्राइवेट, अगर नेट क्या काम आता है, कई बार पूछ लेता है, अरे भाई आपको आपके नेटवर्क से बाहर जाना है क्या, आपको इंटरनेट पे जाना है क्या? हाँ जाना है गुरुजी। तो फिर बच्चों नेट काम आएगा आपके प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में रिजोल्व करने के लिए, इसको छुपाएगा, इसको दिखाएगा। बच्चों इंटरनेट केवल पब्लिक आईपी को समझता है, प्राइवेट आईपी को नहीं समझता, और जो नेटवर्क है वो प्राइवेट आईपी को समझता है। क्लियर? नेटवर्क ये है जो मैं इन लोगों को बैठ के पढ़ा रहा हूं, या तीन चार लोग बैठे हैं, ये क्या है बच्चों? ये है नेटवर्क, और बच्चों जो राउटर के थ्रू अपन जा रहे हैं बच्चों वो है आपका इंटरनेट। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रेंज रट लो, ये रेंज रट लो, 10000 से 10255 255 255, बच्चों 192.168.00 से 192.168, बच्चों 255 255, और बच्चों 172
16 याद रखना, 172-16 से 172-31-00 ये याद रखना, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेट, एआरपी, आईआरपी, मैक एड्रेस, डीएनएस, डीएससीपी मैच करना, यह है क्या? बैक टू स्टडी कह रहा है सर, आईसीएनए से आईएनए लेता, आईएनए से आईएसपी लेता, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मैंने सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट किया क्लास के बाद में अपना डाउट पूछे, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्लियर? क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नेट होता है, एक एआरपी होता है, एक आरएआरपी होता है, एक मैक एड्रेस होता है, एक डीएनएस होता है, एक डीएससीपी होता है। सबको एक्सप्लेन कर दो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, देख लीजिए, ये एक लैन है, ये लैन है, इस लैन के अंदर ये मैक है, ये मैक है, इसका भी मैक है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है बच्चों, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। कहां होता है? एनआईसी कार्ड पे होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन कार्ड बच्चों, या फिर ये बोल दो इथरनेट कार्ड, इथरनेट कार्ड, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, इथरनेट कार्ड बच्चों। जब आप कंप्यूटर लेके आते हो तो उसके पीछे एनआईसी कार्ड लगा होता है, एनआईसी कार्ड का जो एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का मैक एड्रेस बिल्कुल अलग होता है, हर डिवाइस का मैक एड्रेस बिल्कुल अलग होता है बच्चों, याद रखना। अगर डिवाइसेज कनेक्ट होना चाहती है, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस बच्चों, कहां पर? एक लैब के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर। तो बच्चों आपको इंटरनेट रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, आप बच्चों मैक एड्रेस से कम्युनिकेट हो सकते हो, मैक एड्रेस से कम्युनिकेट हो सकते हो, क्लियर? अगर आप लोकल एरिया में कम्युनिकेट होना चाहते हो तो बच्चों आपको 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 प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट होना होगा, प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट होना होगा, ये पॉइंट आपके सब में आ जाना चाहिए। चाहे मेक से कम्युनिकेट हो, चाहे प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट हो बच्चों, क्लियर? प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट हो, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों प्राइवेट आईपी और मेक से अपन लोकल एरिया में कम्युनिकेट हो सकते हैं, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। 48 बिट का होता है अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है बच्चों, क्लियर? तो ये तो आपके क्लियर होना चाहिए, मेक एड्रेस, एनआईसी एड्रेस, ये क्या होते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, अब बच्चों कॉमन सी बात है, यहाँ आपका प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी है, ये लीजिए प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी है, आपस में कम्युनिकेट कोई दिक्कत नहीं है, आपस में कम्युनिकेट कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों आपका इंटरनेट है, ये इंटरनेट है, दुनिया भर के सर्वर है, हर चीज को कन्वर्ट करने के सर्वर है, क्लियर है बच्चों? यहाँ पर भी आपका नेटवर्क है, और बच्चों नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर है बच्चों, ये अंबिका है बच्चों, क्लियर? ये अरविंद है, आपस में कम्युनिकेट होना चाहते हैं, इसका प्राइवेट आईपी है, ये क्या है बच्चों? प्राइवेट आईपी, ये प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी से आपस में कम्युनिकेट हो जाएंगे। अब बच्चों होता क्या है, इसको बाहर जाना है, इसको कम्युनिकेशन के लिए बाहर जाना है, तो बाहर जाना है तो यहाँ पर नेट सर्वर को यूज करेगा, नेट सर्वर बच्चों, क्लियर? नेट सर्वर को यूज करेगा, तो ये लीजिए नेट सर्वर क्या करेगा, तो बच्चों नेट सर्वर इस जो प्राइवेट आईपी है इसके पब्लिक आईपी इसको दे देगा बाहर जाने के लिए बच्चों, इसको बाहर जाने के लिए पब्लिक आईपी दे देगा, और ये पब्लिक आईपी के थ्रू बच्चों यहां से यहां चला जाएगा बच्चों, क्लियर? अब पब्लिक आईपी के थ्रू यहां पहुंच जाएगा, अब बच्चों वापस क्या होगा, रिजोल्व होगा तो फिर नेट सर्वर के पास, नेट सर्वर इसको प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर देगा, तो बच्चों प्राइवेट आईपी बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि नेट अगर नहीं होता तो क्या होता, कि जब अपन प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो नेट की जरूरत होती है, नेट उसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर केवल पब्लिक आईपी को समझा जाता है, इंटरनेट पर पब्लिक आईपी को समझा जाता है, पब्लिक आईपी को समझा जाता है, इसलिए ये रिजोल्व हो जाता है और इसके करस्पोंडिंग इसको पब्लिक आईपी मिल जाता है। मेरे हिसाब से नेट क्लियर हो गया होगा, क्लियर है बच्चों? नेट क्लियर हो गया होगा, नेट क्या होता है, अब तुम इतना सा याद कर लो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक प्रोटोकॉल है बच्चों, या फिर बोलिए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक सर्वर है जो आपके प्राइवेट आईपी को रिजोल्व करता है पब्लिक आईपी में, ताकि आप इंटरनेट पे जा सको। किसी भी कंप्यूटर की जो इंटरनेट पे पहचान होती है वो उसकी पब्लिक आईपी होती है, किसी भी कंप्यूटर की अगर उसके लोकल एरिया में पहचान होती है वो उसकी प्राइवेट आईपी होती है, किसी भी कंप्यूटर की उसकी लोकल एरिया में जो पहचान होती है वो उसका मैक एड्रेस होता है। लेकिन जब इंटरनेट पे जाओगे ना तो प्राइवेट काम आएगी ना मैक काम आएगी, इंटरनेट केवल एक चीज को समझता है और वो है पब्लिक आईपी। क्या ये क्लियर है? क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से एक बार कमेंट हो जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों? बिल्कुल एक बार कमेंट हो जाना चाहिए कि हाँ सर, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे समझ में आ गया।
ठीक है, मेक 48 बिट, आईपी 32 बिट, पोर्ट एड्रेस 16 बिट, वेरी गुड प्रिया चौधरी, बिल्कुल सही है क्लियर। पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है? 16 बिट। सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, पोर्ट भी आएगा। नेक्स्ट, अब बच्चों दूसरे की बात कर लेते हैं। तो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा नेट। नेक्स्ट पे आ जाइए बच्चों, ये कंप्यूटर मेक एड्रेस पे काम कर रहा है। कौन से एड्रेस के ऊपर? मेक, पहले प्राइवेट आईपी पे कर रहे थे बच्चों। ये पूरा का पूरा आपका इंटरनेट है, और बच्चों ये आपका दूसरा लैन है, आपस में कम्युनिकेट हो जाते हैं, कई तरीके आपस में कम्युनिकेट होने के। बच्चों ये बंदा मैसेज देना चाहता है इसको, ए बी को मैसेज देना चाहता है बच्चों। यहाँ पर इसका मेक एड्रेस डिफाइन है, मेक एड्रेस। अब बच्चों ये एआरपी सर्वर को, एआरपी सर्वर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है? तो जो ये मेक एड्रेस है बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग इसको आईपी दे देता है, इसको आईपी दे देता है, क्लियर है। ये कौन सा सर्वर है? आरएआरपी है। आरएआरपी क्या करता है? मेक को किसमें चेंज करता है? आईपी में। कौन से आईपी में? पब्लिक आईपी में, पब्लिक आईपी में चेंज कर देता है। अब ये पब्लिक आईपी बच्चों इधर जा रहा है, और बच्चों यहां फिर एक दूसरा सर्वर होता है जो क्या होता है? आरएपी सर्वर, एआरपी सर्वर। ये क्या करता है? जस्ट इसका उल्टा काम करता है। ये पब्लिक आईपी को किसमें चेंज करता है? मेक में चेंज करता है। तो पहले आरएआरपी काम करेगा, फिर एआरपी काम करेगा, और फिर बच्चों ये मेक में कन्वर्ट हो गया। ये लीजिए, मेक में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों आप समझ जाइए कि या तो वैसे करो या ऐसे करो। तो मेक को किसमें चेंज करना पड़ेगा? पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी, मेक को पब्लिक आईपी या फिर आईपी बोल दो, तो मेक को आईपी में, और आईपी को फिर मेक में कन्वर्ट करने वाला। तो आईपी, मेक को आईपी, तो आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और आईपी को मेक में, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये काम करता है। एक बार कमेंट करो कि सर मेरे तो समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहले आरएआरपी काम करेगा, यहां पर मेक है, वहां पर भी मेक है, इंटरनेट पे जाएगा आईपी, तो क्या करें? तो मेक को रिजोल्व करो। किससे रिजोल्व करो? आईपी से। तो पहले काम करता है आरएआरपी, फिर उधर जाके काम करता है एआरपी, क्लियर। हाँ जी, कमेंट करते रहो, शेयर चलते रहने चाहिए। एक बच्चा कह रहा सर आईसीएमपी बता दो, ये बता दो। अरे सब आएंगे, एक वर्ड मैंने बोल दिया आपको, सब आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है कि अरविंद सर के मुंह से नहीं निकले, 20 तारीख तक होने तो दो आप, सब आएगा, सब आएगा। और अगर तुम ऐसे पढ़ोगे, वो बता दो वो बता दो, तो फिर तो बच्चों कोर्स लेने में फायदा है, सब कुछ पढ़ा रखा है वहां पर, क्लियर। नेक्स्ट सेगमेंट, अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपके अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाइए। कौन कौन से पॉइंट थे यहां पर, कौन कौन से पॉइंट आए थे, उन्हीं को लेते हैं। एक्स्ट्रा लेंगे तो फिर दिक्कत आएगी बच्चों। नेट हो गया, ठीक है, एआरपी हो गया, आरएआरपी हो गया, मेक एड्रेस, इसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं बच्चों, एनआईसी कार्ड का एड्रेस होता है। अब डीएनएस और डीएससीपी और है। अब डीएनएस क्या होता है तो मैं यहीं पर समझा देता हूं, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करें अपन। डीएनएस क्या होता है बच्चों? डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस सर्वर डोमेन नेम सिस्टम बच्चों। किसी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का कोई नाम है, उस नाम के करस्पॉन्डिंग आईपी है। अब बच्चों इंटरनेट पे केवल आईपी जाना जाता है, अब बच्चों नाम तो नहीं जाना जाता, रामू श्यामू मोहन पप्पू, अरे ये तो मैं जानता हूं, इंडस्ट्री में आपको किस नाम से जानते हैं? मिस्टर वेंकटेश्वर, ठीक है, वो आईपी है। अरे ये तो मेरे को पता है, www.ambikaclasses.com URL, ये आपकी कोचिंग का URL है। लेकिन इंटरनेट पे क्या तुमको इससे न जाना जाता है? इंटरनेट पे आपको किसी नंबर से जाना जाता है, वो नंबर बताइए, वो नंबर आईपी है, ठीक है। अरे लोकल तो आपको मेक से जाना जाता है, अरे लोकल तो आपको प्राइवेट नेटवर्क से जाना जाता है, लेकिन नेटवर्क पे आपको, इंटरनेट पे आपको नेट बताएगा। लोकल तो मेक से जाना जाता है, नेटवर्क पे एआरपी बताएगा बच्चों। ऐसे ही लोकल तो आपको बच्चों यूआरएल से जाना जाता है, डोमेन नेम से जाना जाता है, लेकिन बच्चों इंटरनेट पे आपका क्या नाम है वो आईपी बताएगा। तो डीएनएस सर्वर क्या करता है, ये लीजिए, डीएनएस सर्वर इस ब्राउजर के अंदर जो भी मैंने नाम डाला बच्चों, जो मैं ये ओपन करना चाहता हूं, इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट केवल आईपी पे काम करता है, आईपी पे काम करता है। सभी राउटर के पास केवल आईपी की इंफॉर्मेशन है। आपने लिख दिया www.google.com, अब बच्चों ये है क्या? अरे है क्या google.com क्या है? तो डीएनएस सर्वर के पास जाइए, डीएनएस सर्वर में इधर क्या लिखा होगा? डोमेन नेम, और इधर करस्पॉन्डिंग आईपी। तो जहां google.com लिखा है वो आईपी बच्चों, वो आईपी चेंज हो जाएगा और फिर ये यहां पर जाएगा। अच्छा, किसी होस्ट नेम का जो घरेलू नाम है, डोमेस्टिक नेम है, उसको आईपी में बदलना किसका काम है? डीएनएस सर्वर। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच्चों डीएससीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो डीएससीपी सर्वर क्या है? अरे ये आईपी प्रोवाइड कराता है, ये आईपी प्रोवाइड कराता है। अगर किसी को आईपी की जरूरत पड़ गई ना तो ये आईपी प्रोवाइड कराता है। और सब ट्रांसलेट करते हैं, पर्टिकुलर 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 ट्रांसलेट बच्चों कि ठीक है इसको इसके बदले में, इसको इसके बदले में, लेकिन एक्चुअल आईपी क्या है वो ये डीएससीपी सर्वर देता है। बच्चों डीएससीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर हाँ अच्छा आपने रिचार्ज कराया, आपने रिचार्ज कराया तो आपको अभी कौन सा आईपी मिलना चाहिए डीएससीपी डिसाइड करेगा। डीएससीपी क्यों? क्योंकि देखेगा इन आईपी में से कौन सा आईपी फ्री है या नहीं है। डीएससीपी सर्वर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। अब नेट क्या करता है तो समझो, अरे कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। वेबसाइट में लिख दिया google.com, अरे भाई इंटरनेट तो नंबर सिस्टम को समझता है, नंबरिंग को समझता है, इंटरनेट को नंबरिंग को समझता है, आईपी को समझता है, तो फिर डीएनएस सर्वर का काम। तुम्हारे पास तो आईपी नहीं, तुम गरीब लोग हो, तुमने रिचार्ज ही नहीं कराया, रिचार्ज कराओ, आईपी मिलेगा डीएससीपी सर्वर। अच्छा मेक के थ्रू तुम वहां जा रहे हो, तुमने मेक डिफाइन कर रखा है, वहां जा रहे हो आरएआरपी, वहां से वापस मेक एआरपी। अच्छा प्राइवेट आईपी है, आजकल इंटरनेट पे जाना चाहते हो नेट एनएटी। क्लियर? समझ जाइए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलो। अरे भाई सब आएगा, सॉकेट एड्रेस एड्रेस सब आएगा, विश्वास रखो, पेशेंस रखो। और अगर तुमको जल्दी फंडना है तो इंटरनेट के 40 वीडियो पढ़े, एक बार आप देख लेना, सब पढ़ा रखा है। तुमने तो कुछ पूछा ही नहीं मेरे से, ऐसी ऐसी चीजें बता रखी है। लेकिन बच्चों अब तुमको क्या करूं, तुम फड़ाने दे नहीं रहे। अब बोलिए नेट क्या है? तो प्रोटोकॉल फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेस डायनेमिकली टू डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। प्रोटोकॉल फॉर असाइन आईपी एड्रेस डायनेमिकली टू डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, ये क्या है बच्चों? डीएससीपी। क्लियर? रिजोल लॉजिकल आईपी एड्रेस टू फिजिकल मेक एड्रेस, तो आईपी को मेक में बदलने वाला एआरपी। एआरपी ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी एड्रेस टू सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, ये है नेट। नेट हो जाएगा बच्चों। ट्रांसलेट लॉजिकल होस्ट नेम यूआरएल लॉजिकल होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस, ये हो जाएगा डीएनएस। होस्ट नेम जो आपका नाम है जिसको यूआरएल कहते हैं उसको आईपी में, वो डीएनएस हो जाएगा। प्रोवाइड ए वे टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एट द डेटा लिंक लेयर, बच्चों उसको मेक एड्रेस कह देंगे। मेक आया था क्या? बिल्कुल मेक एड्रेस आया था बच्चों। रिजोल्व ए फिजिकल मेक एड्रेस टू लॉजिकल आईपी एड्रेस, इसको आरएआरपी कह देंगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और इसको क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेस डायनेमिकली टू डिवाइस ऑन ए नेटवर्क डीएससीपी। डायनेमिकली अच्छा आपको कम्युनिकेट होने जाना है, वहां जाना है, चलो ये एड्रेस पकड़ो आप, चले जाइए इससे। क्लियर? लेकिन एक महीने के लिए दे रहा हूं, थोड़े दिनों बाद मैं वापस ले लूंगा, रिचार्ज नहीं कराया तो, और अगर कंटिन्यू है तो वही चलता रहता है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर? समझने की कोशिश करो। जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक काम करो, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं इनको ब्लॉक कर दो, क्योंकि ये पढ़ने के लिए नहीं आए। जब मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ब्रह्मांड के सारे। एक तो पूछ ही रहा था थोड़ी देर पहले कि सर ये किस में आता है, ये किस में आता है। आ गए क्वेश्चन, सब लिए गए हैं। हाँ भाई, मॉडेम रिपीटर फिजिकल लेयर, चलिए बता देते हैं बच्चों। ओएसआई मॉडल के हिसाब से आपको बताना है, नेटवर्क डिवाइस और करस्पॉन्डिंग वर्किंग लेयर। ठीक है, हब आपको पता है ये कौन सी लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर। हब क्या होता है समझना, पूरी डेफिनेशन दे रहा हूं। हब बच्चों देखिए, दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट वायर से कर सकते हो आप, डायरेक्ट वायर से आप कम्युनिकेट कर सकते हो दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो। क्यों? क्योंकि इसमें भी एनआईसी कार्ड है, इसमें भी एनआईसी कार्ड है, इसमें भी एक पोर्ट है, इसमें भी एक पोर्ट है बच्चों। और आपको क्या करना है, आरजे केबल को यूज करना है और दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीन कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर सकते आप, फिर आपको एक सेंट्रल डिवाइस रखनी पड़ेगी, और वो सेंट्रल डिवाइस या तो हब होगा या फिर क्या होगा बच्चों, स्विच होगा, या फिर क्या होगा, स्विच। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए।
हब क्या होता है बच्चों? मल्टी पॉइंट डिवाइस है, बस इतना याद रखिए, मल्टी पॉइंट डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट करने के काम में आती है। बच्चों ब्रॉडकास्ट क्यों? क्योंकि एक भेजेगा सबके पास पहुंचेगा। ये ब्रॉडकास्ट है, फिल्टर नहीं करता, ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये डंब है बच्चों। ये सबसे नीचे की लेयर, लेयर नंबर वन पे काम करता है। कौन सी लेयर बच्चों? फिजिकल लेयर। ठीक है, फिर क्या यूज है इसका? लैन बनाती है भाई। क्या यूज है इसका? दो से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ती है भाई। दो कंप्यूटर को नहीं जोड़ सकती? अरे जोड़ सकती है, लेकिन दो कंप्यूटर को तो अपन आरजे केबल, रजिस्टर्ड जेक केबल से भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों हब इंटेलिजेंट नहीं है, फिजिकल लेयर के ऊपर काम करती है। फिजिकल पीएच लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपके समझ में आ जाना चाहिए। फिजिकल लेयर के ऊपर काम करती है। क्लियर है? देखिए बच्चों हब भी दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव हब होता है, एक पैसिव हब होता है। एक्टिव नाम से पता चल रहा है, जो बच्चों डेटा भेजने के साथ साथ डेटा को रीजनरेट करके भेजे, वो एक्टिव हब है। मतलब एक्टिव हब हब के साथ साथ रिपीटर का भी काम करता है, हब के साथ साथ रिपीटर का भी काम करता है, उसका नाम है एक्टिव हब। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल क्लियर है। एक्टिव हब मतलब हब के साथ साथ रिपीटर का भी काम करता है। अभी रिपीटर क्या होता है बच्चों? जब अपन सिग्नल भेजते हैं लेन के अंदर, रिपीटर हमेशा लेन में काम आता है, ध्यान रखिएगा। रिपीटर लेन में काम आता है, तो जब लेन में अपन डेटा का मूवमेंट कराते हैं तो हमेशा डिजिटल सिग्नल जाते हैं। लेन छोटी सी होती है, तो जब लेन छोटी सी होती है तो लेन में बच्चों यहां से वहां तक डेटा भेजना है, तो अपन रिपीटर लगाते थे ताकि सिग्नल वीक नहीं हो और बच्चों सिग्नल को रीजनरेट किया जा सके। क्लियर? याद रखना, सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए रिपीटर यूज करते हैं। रिपीटर केवल डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, रिपीटर केवल शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करते हैं, रिपीटर केवल लेन में काम करते हैं। रिपीटर फिजिकल लेयर का पार्ट है, रिपीटर फिजिकल लेयर का पार्ट है। क्लियर बच्चों? और अगर हब एक्टिव हब है तो ये दो का काम करेगा, एक तो हब प्लस एक किसका काम करेगा? रिपीटर। क्लियर? और बच्चों मैंने जब एप्लीकेशन पढ़ा, भयंकर तरीके से पढ़ा रखा। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। पैसिव हब की बात करें तो सर वो रिपीटर का काम नहीं करेगा, जैसा सिग्नल आया वैसा का वैसा भेज देगा। मेरे हिसाब से हब में कोई दिक्कत नहीं है, और हब केवल ब्रॉडकास्ट करता है, हब में फिल्टर नहीं होता है, हब मैक एड्रेस पे काम नहीं करता, हब केवल डिवाइस नंबर पे काम करता है, हब केवल फिजिकल लेयर पे काम करता है, हब केवल डंबी है, हब के पास केवल डिवाइसेस की लिस्ट होती है, और हब दो तरीके का होता है, और हब बच्चों सबको भेज देता है। याद रखना, कास्टिंग तीन तरीके की होती है। मैं एक को भेजू एक के पास यूनिकास्ट, और अगर मैं ग्रुप को भेजू, लड़कों लड़कों को भेजू, लड़कियों को नहीं भेजू मल्टीकास्ट, और सबको भेजू ब्रॉडकास्ट, कोई फिल्टर नहीं ब्रॉडकास्ट के अंदर। क्लियर? समझ जाइए, मेरे हिसाब से क्लियर है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। रिपीटर, रिपीटर हब का जस्ट अपोजिट है स्विच। स्विच स्विच क्या करता है बच्चों? तीनों काम करता है, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट। स्विच मेक एड्रेस के ऊपर काम करता है, स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, स्विच फिल्टर करने का काम करता है, स्विच अब की तरह ही होता है, लेकिन स्विच सब काम करता है। यूनिकास्ट एक से एक को भेजना, एक से ग्रुप को भेजना, और एक से सबको भेजना। स्विच स्विच हब के साथ साथ मैं स्विच को निपटा दिया। हब और स्विच ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। इंटेलिजेंट होता है स्विच, हब इंटेलिजेंट नहीं होता बच्चों। रिपीटर का जस्ट अपोजिट होता है कौन? एम्पलीफायर। रिपीटर डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है, एम्पलीफायर एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है। रिपीटर लेन में काम आता है, एम्पलीफायर वेन में काम आता है, इंटरनेट पे काम आता है। रिपीटर रीजनरेट करता है, और बच्चों एम्पलीफायर रीजनरेट नहीं करता, एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करता है। समझ जाइए, एक इधर है लेन, एक इधर है वेन, एक इधर है रीजनरेट करता है, एक इधर है एम्पलीफाई करता है, एक इधर है डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, एक एनालॉग सिग्नल पे काम करता है। इंटरनेट पे जो भी डेटा जाता है वो एनालॉग फॉर्मेट में जाता है, डिजिटल फॉर्मेट में जा ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेट का मतलब है सर्वर सिस्टम, पहले डेटा सर्वर पे फिर आपके पास। या मोहन बेटा है, मैं व्हाट्सएप से अगर मैसेज भेजूंगा तो पहले अमेरिका जाएगा वो मैसेज और फिर मोहन के पास आएगा। समझ जाइए, पहले सर्वर पे जाता है। तो ये जब भी सिग्नल जाते हैं ये एनालॉग में जाते हैं, और डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस चाहिए उसका नाम मॉडेम है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉडेम मॉडेम के दो काम है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन पहला बच्चों, आपका जो डेटा बनता है वो डिजिटल में बनता है, उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? एनालॉग। एनालॉग इंटरनेट के ऊपर एनालॉग सिग्नल जाते हैं, एनालॉग सिग्नल जाते हैं,
और यहां पहुंचेगा तो वापस डिजिटल में कन्वर्ट करने का। तो डीमोड्यूलेशन उल्टा काम है बच्चों, एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी आया है, मॉडेम कौन सी लेयर पे काम करता है, तो मॉडेम भी आपका खत्म हो गया। और फिर पूछना ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, केवल कन्वर्ट करता है डिजिटल। कंप्यूटर में कौन सा सिग्नल बनता है, डिजिटल, जाएगा कहां पर, इंटरनेट। डिजिटल क्यों नहीं भेजा, शॉर्ट डिस्टेंस पे ही बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजेंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। किसमें लॉस कम होता है, एनालॉग, तो फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिजिटल को किसमें, एनालॉग, और फिर पहुंच के एनालॉग डिजिटल, क्योंकि कंप्यूटर समझता है डिजिटल। मॉडेम कौन सी लेयर पे, बच्चों फिजिकल लेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्विच हो गया, मॉडेम हो गया, समझ आ गया होगा। एनआईसी कार्ड बच्चों डेटा लिंक लेयर, क्योंकि मैक एड्रेस है, डेटा लिंक लेयर, एनआईसी कार्ड डेटा लिंक लेयर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक अगर आपके क्लियर है तो आ गया बच्चों समझ में, एक बार कमेंट करो। मेरे हिसाब से हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा, तुम नहीं पूछोगे तो भी मैं बता दूंगा, लेकिन याद रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, क्लियर। चलिए एक बार कमेंट करो, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर करो बच्चों, ठीक है। और बच्चों आपको मैं फिर क्लियर कर देता हूं, प्रोग्रामर की रेट बढ़ने वाली है, जिसको भी प्रोग्रामर बनना है, कंप्यूटर टीचर बनना है, या यूपी प्रोग्रामर की वैकेंसी आई है पुलिस डिपार्टमेंट में, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, बच्चों अगर कुछ भी बनना है तो अंबिका क्लासेस का कोर्स देखना, आप दीवाने हो जाओगे बच्चों कि वाकई यार इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है क्या। क्लियर, नेक्स्ट चलिए। लेवल वन, लेवल टू, लेवल, अरे पढ़ा दी फायर बॉल बच्चों, दसवें ग्यारहवें वीडियो को देखो जाके, एनआईसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन उठिए उठता है कि सर राउटर क्या होता है, तो इंटरनेट पे जाने के लिए राउटर है, राउटर एक गेटवे है, इसके बिना इंटरनेट पे नहीं जा सकते हैं बच्चों, क्लियर। बिना मॉडेम के आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते हैं, बिना मॉडेम, क्यों भाई, थोड़ा सा गया डेटा लॉस हो गया, खत्म बच्चों। बिना राउटर के आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। कई बार वो कहता है इंटरनेट का गेटवे क्या है, राउटर। राउटर बच्चों राउटिंग कराता है, आईपी के हिसाब से घुमाता है, पैकेट को घुमाता है, पैकेट के ऊपर एड्रेस होता है जिसको राउटिंग एड्रेस कहते हैं, उसको देखता है और उसके हिसाब से मूवमेंट करवाता है, उसका नाम क्या है, राउटर। राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है बच्चों, क्लियर। याद रखिए ब्रिज, ब्रिज क्या करता है, तो बच्चों ये भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, कौन, ब्रिज, और ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। रट लो, ब्रिज क्या करता है, एक लेन ये बन गई, एक लेन ये बन गई, और बच्चों एक लेन ये बन गई बच्चों, इन दोनों लेन को जोड़ना है, लेकिन दोनों की टोपोलॉजी सेम होनी चाहिए, दोनों की टोपोलॉजी सेम होनी चाहिए, आप ब्रिज को यूज कर लीजिए। ब्रिज एक ब्रिज, ब्रिज क्या करता है बच्चों, दो सेम टोपोलॉजी, दो सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है। क्या इसमें कोई चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा। क्या ये लेन ही बनी, बिल्कुल बनी। क्या लेन लेन से लेन ही बनी, बिल्कुल बनी। क्या आईपी आईएसपी प्रोवाइडर की जरूरत है, नहीं है। क्या यूज कर लिया, ब्रिज यूज कर लिया। क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम 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 होने चाहिए बच्चों। इसकी लिमिट है ब्रिज की बच्चों, ब्रिज की लिमिट है प्रोटोकॉल सेम होने चाहिए, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होने चाहिए बच्चों, सबके जो सॉफ्टवेयर है वो सेम होने चाहिए बच्चों। याद रखिए टोपोलॉजी सेम होनी चाहिए। ये ब्रिज की कुछ कमियां है, तो फिर बच्चों ब्रिज की कमियों को दूर करने के लिए आया गेटवे। गेटवे क्या है, हर लेयर पे काम करता है, प्रत्येक लेयर पे काम करता है, प्रत्येक लेयर पे काम करता है, कौन, गेटवे। गेटवे सभी सात लेयर के ऊपर काम करता है, और गेटवे का मतलब ही प्रोटोकॉल कन्वर्टर है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर है। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है अगर प्रोटोकॉल सेम नहीं होगा, मैं अगर चाइनीज जानता हूं वो हिंदी जानते हैं, कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए, प्रोटोकॉल सेम होगा तभी बच्चों कम्युनिकेट हो पाएंगे, इसलिए प्रोटोकॉल कन्वर्टर का काम है गेटवे, और गेटवे सभी लेयर पे प्रोटोकॉल कन्वर्टर का काम करता है बच्चों। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है नेटवर्क का गेटवे क्या होता है, राउटर, क्योंकि नेटवर्क में घुसने से पहले आपको राउटर से पूछना पड़ता है कि इसी नेटवर्क में मेरा होस्ट है या नहीं है बच्चों। फायरवॉल, तो फायरवॉल बच्चों याद रखिए, फायरवॉल क्या करता है, मैंने खूब पढ़ा रखा है सिक्योरिटी, फायरवॉल से क्या होता है बच्चों, अनऑथराइज एक्सेस को रोका जाता है। फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, आपको कोई चीज नहीं चाहिए, ब्लॉक कर दो फायरवॉल के अंदर। तो बच्चों फायरवॉल नेटवर्क लेयर पे काम करती है, नेटवर्क लेयर पे काम करती है, लेकिन आजकल बहुत सारी फायरवॉल आ गई बच्चों, क्लियर। जैसे स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करती है,
लेकिन अगर कुछ नहीं थे तो फायरवॉल नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है, क्योंकि फायरवॉल में अधिकतर अपन पैकेट को ब्लॉक करने का काम करते हैं। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, बच्चों मैं एक सर्वर को बोलता हूं मेरे यहां कोई भी आए फिल्टर कर करके भेजो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एंटीवायरस को बोलता हूं मैंने खरीदा है तुमको, मेरे यहां जो भी आए चेक हो के आए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये होते प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल। प्रॉक्सी सर्वर मेन सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक सर्वर होता है जो बच्चों अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्लाइंट को बचाता है, उसको कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। और खूब पढ़ा है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर बच्चों ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे। क्लियर, एसेट पॉइंट, एक्सेट पॉइंट, आप एक बार बताइए एक्सेट पॉइंट। एक्सेट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आप बताओ बच्चों एक्सेट पॉइंट क्या होता है? एक्सेट पॉइंट एक तो होता है हॉट स्पॉट और एक होता है एक्सेट पॉइंट। हॉट स्पॉट क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को लेता है, उसके करस्पॉन्डिंग बच्चों क्या डेवलप करता है? उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जैसे वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और एक्सेट पॉइंट उन फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करता है। तो बच्चों एक्सेट पॉइंट और हॉट स्पॉट ये दोनों ही डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, याद रखना बच्चों, ये दोनों ही डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। बच्चों राउटर ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। बच्चों जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है नीचे भी करेगा, इसलिए नेटवर्क लेयर आंसर देना। राउटर में ब्रिज और राउटर दोनों का गुण है। मतलब राउटर तो क्या करता है बच्चों? पैकेट को फिल्टर करता है बच्चों, पैकेट को मूवमेंट देता है, शॉर्टेज पाथ डिफाइन करता है बच्चों। राउटर जो होता है वो ये बताता है कि ये पैकेट इस लेन का है या नहीं। तो राउटर में क्या फैसिलिटी हो गई, आप लेन भी बना सकते हो उसको, एज ए ब्रिज भी यूज कर सकते हो आप। तो बच्चों राउटर, राउटर के अंदर ब्रिज प्लस राउटर दोनों की क्वालिटी है और ये नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है बच्चों। लोड बैलेंस मान लीजिए अगर किसी नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया तो बच्चों ट्रैफिक को दूसरे सर्वर के थ्रू भेजा जाता है। यही होता है लोड बैलेंसर, जो ये देखता रहता है कि कितना पैकेट जा सकता है कितना नहीं जा सकता। पैकेट ज्यादा हो गया पैकेट को उधर भेज दो इधर भेज दो, डेटा बढ़ गया है मतलब लोड बढ़ गया है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। कौन सी लेयर का काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट चलिए, लोड बैलेंसर ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, एनआईसी का डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, एक्सेस पॉइंट डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, हॉटस्पॉट डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर एप्लीकेशन पे, फायरवॉल नेटवर्क लेयर के ऊपर, फायरवॉल अधिकतर नेटवर्क लेयर के ऊपर, लेकिन याद रखना डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल डिफरेंट डिफरेंट जगह काम करती है। स्टेटफुल इंफेक्शन फायरवॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल एप्लीकेशन पे, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल। एक बच्चा बार बार पूछ रहा था सर प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल कहां काम करता है, जवाब मिल गया आपको। पैसेंस रखो मैं क्या कह रहा हूं, ब्रह्मांड का प्रत्येक क्वेश्चन मेरे मुंह से निकलेगा, याद करोगे 21 तारीख को कि यार ये तो सब पेपर वहीं से है, याद करोगे मेरी गारंटी है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है 2007 से 2023 तक का 24 आ चुका है, इतने साल हो गए टेक्नोलॉजी, मैं तो रीजनिंग में जीते जीते एक दो डिग्रियां नहीं कई डिग्रियों के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए समझो इनका फायदा उठाओ एक एक चीज का कमेंट बाजी के बजाय। चलिए आगे बढ़ते अपन, लेयर थ्री स्विच, लेयर थ्री स्विच। अब ये पता है लेयर वन किसको कहते हैं फिजिकल, लेयर टू किसको कहते हैं डेटा लिंक लेयर, और लेयर थ्री किसको कहते हैं तो नेटवर्क लेयर। अब ये पता चल गया लेयर थ्री स्विच में राउटर होता है लेकिन वो स्विच के साथ है। तो बच्चों इसका मतलब ये कौन सी लेयर थ्री स्विच नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, लेकिन इसमें दो क्वालिटी आ गई, एक तो ये लेन बना देगा और एक राउटर की तरह भी काम करेगा। मान लो ये राउटर है और लेयर थ्री स्विच है तो बच्चों ये लेन भी बना देगा, ये लीजिए लेन भी बन गई, ये लेन भी बन गई, और बच्चों इंटरनेट से जो पैकेट आ रहे हैं उनको फिल्टर भी कर लेगा। हाँ मेरे लिए नहीं है उधर भेज दो, मेरे लिए अंदर आने दो, क्लियर। क्योंकि राउटर के ऊपर बच्चों किसी भी पैकेट के ऊपर आईपी होता है और ये अपनी लिस्ट से मैच कर लेता है, इसके लिए तो अंदर भेज देता है और बाहर और स्विच की तरह भी काम करता है, उनको बोलते हैं लेयर थ्री स्विच। लेयर थ्री स्विच और राउटर दोनों में एक छोटा सा अंतर, ये भी बच्चों राउटर प्लस ब्रिज है और ये राउटर प्लस स्विच है। तो बच्चों याद रखिए जो स्विच होते हैं उसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं और ब्रिज में केवल दो लेन कनेक्ट हो सकती है जो एक राउटर के साथ जुड़ी हुई रह सकती है। डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, बच्चों डीएनएस सर्वर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं, क्लियर। डीएनएस जो आपका जो नाम है उसको करेस्पॉन्डिंग किसमें बदलते हैं, आईपी में बदलते हैं। डीएससीपी सर्वर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं, डीएनएस सर्वर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं।
मोस्टली सर्वर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों? मेरे हिसाब से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप इसको इससे मैच कर लीजिए, बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो बच्चों, कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर पूरा समझ में आ गया। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम फोर्ट डालेंगे, अधिकतर क्वेश्चन आता है हॉट स्पॉट, अरे भाई डेटा लिंक लेयर, एक्सेस पॉइंट डेटा लिंक लेयर, फायरवॉल नेटवर्क लेयर। अच्छा फायरवॉल और भी है, बहुत सारी होती है, कितने तरीके की बताई? पांच तरीके की बताई, पांचों क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिपीटर, अच्छा ये तो रिपीटर तो लेन में काम आता है, बड़ी लेन बनाते हैं तो रिपीटर काम आता है, रिपीटर डिजिटल सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है, एम्पलीफायर अरे ये तो इंटरनेट पे काम आते हैं, अरे एनालॉग सिग्नल वीक हो जाते हैं तो उनको एम्पलीफाई करते हैं। बच्चों क्लियर, समझने की कोशिश। मॉडेम, अरे भाई इंटरनेट पे जाना है तो मॉडेम के बिना नहीं जा सकते, इंटरनेट तो सर्वर सिस्टम पे काम करता है, और सर्वर तक जाओगे तुम्हारा डिजिटल सिग्नल तो खत्म हो जाएगा, तो फिर मॉडेम काम करो। मॉडेम दो तरीके का होता है, मॉडेम के दो पार्ट होते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। क्या दोनों एक साथ काम करते हैं? नहीं बच्चों, डिजिटल टू एनालॉग तो मॉडेम, और एनालॉग को डिजिटल तो डी मॉड्यूलेशन, और उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, और मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम वही दिमाग का प्राणी नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, केवल कन्वर्जन करता है, फिजिकल लेयर के ऊपर है, फिजिकल लेयर वाले बिना दिमाग के प्राणी होते हैं और एप्लीकेशन लेयर वाले बहुत स्मार्ट होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, ऊपर जाएंगे स्मार्टनेस बढ़ती जाएगी, फिल्टरिंग होती जाएगी। गेटवे सभी लेयर के ऊपर काम करता है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं। राउटर एक गेटवे है बच्चों, जो नेटवर्क का गेटवे कहलाता है, समझ जाइए। नेटवर्क में घुसने से पहले उससे परमिशन लेनी पड़ती है, किससे? राउटर से। समझने की कोशिश करो, राउटर अरे राउटर प्लस ब्रिज दोनों का काम करता है। अच्छा लेयर थ्री स्विच, अरे राउटर प्लस स्विच दोनों का काम करता है, दो दो डिवाइस कौन लगाता है? आजकल ऐसी डिवाइस आ रही है जो एक ही काम कर देती है, उनको ही कहते हैं बच्चों। समझ जाइए, समझ जाइए, विचार कीजिए आप। अच्छा प्रॉक्सी सर्वर, अरे किसी सर्वर को बोल दो मेरे यहां पर अनऑथराइज ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे बिना चेकिंग किए कोई माल मटेरियल नहीं आना चाहिए मेरे कंप्यूटर के अंदर, और मैं अगर कोई चीज भेजूं तो पहले चेक हो जाए कि ये चीज मेरे कंप्यूटर में नहीं चले, छोटे बाल बच्चे हैं मेरे घर में। अच्छा प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, ऐसा प्रॉक्सी सर्वर जो रोकने का काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल। समझ जाइए, क्लियर, समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूं सर। एरर करेक्शन का काम डीएलएल और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों कर सकते हैं क्या? अच्छा क्वेश्चन, एरर करेक्शन देखिए एक होता है एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी डेटा लिंक लेयर। क्योंकि देखिए एक तो यह है कि 100 लोगों को भेजा मैंने और जयपुर 100 नहीं पहुंचे, 99 पहुंचे, यह भी एक एरर है। यह काम है बच्चों, एरर कंट्रोल का काम किसका है? एरर कंट्रोल का काम है ट्रांसपोर्ट लेयर। लेकिन बच्चों 100 पहुंचे तो है, 100 भेजे मैंने, 100 पैकेट भेजे, 100 के 100 पहुंचे, लेकिन एक पैकेट में गड़बड़ हो गई। पहुंचे 100 है लेकिन एक पैकेट में गड़बड़ हो गई, उस गड़बड़ को ढूंढना और सही करना, यह डेटा लिंक लेयर का काम है। डेटा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन वर्ड आए, डेटा लिंक लेयर लगा दो, और एरर कंट्रोल वर्ड आए, कंट्रोल 100 भेजे तो 99 में पहुंचे, तुम्हारी जिम्मेदारी एक को और भेजो, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। क्लियर है, समझ आ जाना चाहिए। एरर रिकवरी ट्रांसपोर्ट लेयर, वेरी गुड। एरर रिकवरी या फिर एरर से बचाने का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का। बच्चों दो चीज है, एक तो डिटेक्ट करो और करेक्ट करो। करेक्शन सीआरसी चेकिंग, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, पेरिटी चेकिंग, ये सब बच्चों चेक होता है कि आपने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। क्लियर, तो करेक्शन डिटेक्शन एंड करेक्शन ये डेटा लिंक लेयर पे, और एरर कंट्रोल वर्ड आए, एरर पे कंट्रोल कौन करती है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या ये क्लियर है बच्चों? एरर हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट लेयर, वेरी गुड, बिल्कुल सही। रिकवरी हैंडलिंग ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ये एरर होने ही मत दो, प्रॉपर भेजो। पैकेट ज्यादा जा रहे हैं कम कर दो, कम जा रहे हैं ज्यादा कर दो, लोड बैलेंस कर दो, ट्रांसपोर्ट लेयर। लोड बैलेंसर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करते हैं। क्लियर है, मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट कर दो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है नेटवर्किंग। अरे ऐसे ऐसे नेटवर्किंग पढ़ाई है मैंने, लोग अपने नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। एक बार आप देखना, कंटेंट देखना तब पता चलेगा। प्रोग्रामर वालों को मैं कह रहा हूं, जावा मेरी फेवरेट, नेटवर्किंग मेरी फेवरेट, टीपीएमएस मेरा फेवरेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी फेवरेट। एक बार देख लोगे आपको लगने लग जाएगा कि यार वाकई यही होता है प्रोग्रामर का कंटेंट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सर आप जो बताते हो आता आया था यहां से क्वेश्चन, पहचानिए फायरबॉल आया था, पहचानो फायरबॉल आया था बच्चों, यहां से फायरबॉल आया था पहचानिए, हर एक स्लाइड में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, मेरी गारंटी है बच्चों, आया था या नहीं आया था बताइए। ऐसे कंट्रोल हॉटस्पॉट डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करते हैं, फिजिकल लेयर के ऊपर कौन कौन काम, अरे जिनमें दिमाग ही नहीं है, मॉडेम वायर टोपोलॉजी बच्चों, कोएक्सल केबल फाइबर ऑप्टिक्स केबल सिग्नल बीट रिपीटर हब, ये सब फिजिकल लेयर पे काम करता है। फिल्टर का काम हुआ डेटा लिंक लेयर स्विच ब्रिज, समझ जाइए क्या बोल रहा हूं, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वायस रेक क्या होता है, अरे ये क्वेश्चन आया था कंपटीटर में, आ रहा है आगे आ रहा है, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है आने दीजिए, वेट कीजिए। अभी एक बच्चा प्रोक्सी सर्वर पूछ रहा था उसको जवाब मिल गया होगा, लोड बैलेंसर पूछ रहा था उसको जवाब मिल गया होगा, एक्सेस पॉइंट पूछ रहा था उसको जवाब मिल गया होगा, फायरवॉल पूछ रहा था उसको जवाब मिल गया होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे को सुनो सब आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओएसआई मॉडल और करस्पॉन्डिंग लेयर बच्चों, फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर, फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर होती है, सबसे नीचे की लेयर लोअर लेयर बिना दिमाग की लेयर फिजिकल लेयर, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाते एप्लीकेशन लेयर सात नंबर की लेयर, बिल्कुल ये फर्स्ट नंबर की लेयर है, बिल्कुल ये सबसे नीचे की लेयर है, बिल्कुल ये सबसे ऊपर की लेयर है, बिल्कुल। करस्पॉन्डिंग डेटा नेम बताना है बच्चों, इनके नाम डेटा के नाम होते हैं बच्चों, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो एक तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए बिट्स, बिट्स किस पे बनती है, तो प्रेजेंटेशन लेयर, सॉरी गड़बड़ बोल दिया, बिट्स किस पे बनती है, फिजिकल लेयर बच्चों, फिजिकल लेयर ये रही बिट्स, सबको पता हो जाना चाहिए। फ्रेम किस पे बनते हैं, फ्रेम बनते हैं बच्चों डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। पैकेट किस पे बनते हैं, नेटवर्क लेयर पे पैकेट बनते हैं। सेगमेंट किस पे बनते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट बनते हैं बच्चों, क्लियर। यहां तक तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सेगमेंट हो गया, पैकेट हो गया, फ्रेम हो गया, बिट्स हो गए, क्लियर। अब बच्चा बच्चों डेटा मैसेज और डेटाग्राम, क्लियर। मैसेज लिखते हैं अपन एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, मैसेज लिखते हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। मैं आपको एक कंसेप्ट से पूरा समझाता हूं, अपन ने सबसे पहले किसी को मेल करना, कर देते हैं मेल कर देते हैं बच्चों, कहां लिखूंगा मैं, यूजर कहां इंटरफेसिंग करता है बच्चों, एप्लीकेशन लेयर पे क्या लिखा, मैसेज लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों जो मैसेज है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, जो आपका मैसेज है वो बच्चों नेचुरल लैंग्वेज के अंदर है। अब वो कन्वर्ट होगा आपका डिजिटल फॉर्मेट में, तो बच्चों जो भी आपने लिखा वो डिजिटल फॉर्मेट में बनता है, उसको बोलते डेटा, ठीक है बच्चों, वो डेटा बन गया। अब डेटा जो बना, समझने की कोशिश करना, जो डेटा बना आपने मैसेज लिखा, जो भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो भी करना, यूजर इंटरफेसिंग का काम है एप्लीकेशन लेयर। अब बच्चों एप्लीकेशन सोचना विचार करना, पूरा ओएसआई मॉडल एक भाषण में खत्म कर रहा हूं, ब्रह्मांड का सारा ओएसआई मॉडल यूजर इंटरफेसिंग करता है ऊपर बच्चों, क्लियर। ऊपर एप्लीकेशन यूज करता है एप्लीकेशन लेयर बच्चों, कंप्यूटर के ऊपर काम करता है एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट को यूज करता है एप्लीकेशन लेयर, यूजर मैसेज लिखता है एप्लीकेशन लेयर, यूजर कोई भी काम करता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर पे तो 1000 एप्लीकेशन है, कोई ईमेल की एप्लीकेशन है, कोई फाइल ट्रांसफर करने के लिए है, कोई व्हाट्सएप है, कोई फोन पे है, कोई क्या है, तो बच्चों मैसेज कंप्यूटर के अंदर के थ्रू जाएगा, तो पर्टिकुलर पोर्ट होते हैं, मेल जाएगी एसएमटीपी पोर्ट यानी 25 नंबर के पोर्ट से जाएगी, तो पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन के अंदर, पर्टिकुलर पोर्ट छेद, मेरे बाहर कोई भी काम हो रहा है इस छेद से आवाज जाएगी, इससे मेरे को खुशबू बदबू आएगी, इससे मैं देखूंगा बच्चों, इससे मेरे गर्मी सर्दी का एहसास होगा। हर पोर्ट होते हैं कंप्यूटर में 65,536 पोर्ट होते हैं, 0 से लगा के 65,535 तक उनके नंबर होते हैं, हर एक एप्लीकेशन इंडिविजुअल पोर्ट के थ्रू काम करती है बच्चों, क्लियर। तो एप्लीकेशन लेयर में जो भी बनाया वो मैसेज है, और मैसेज पोर्ट के थ्रू प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ गया कि भाई हर चीज तरीके की अपनी अपनी एप्लीकेशन होती है। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे अपने अपने तरीके से पहुंच गया, लेकिन बच्चों ये मैसेज डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये मैसेज का अब होगा फालतू की बीटा ठेगी, कंप्रेस करेंगे, कोई दुष्ट लोग बैठे होंगे इंटरनेट पे तो इनको कन्वर्ट करेंगे, इंक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन होगा, कंप्रेस होगा बच्चों,
ये सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर में होता है, फाइलों का अटैचमेंट होगा प्रेजेंटेशन लेयर में होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता है, बच्चों एसएसएस सर्वर को बोला जाएगा इसको सिक्योरिटी दे प्रेजेंटेशन लेयर में होगा, बच्चों क्लियर है, सिक्योर सॉकेट एसएसएच, सिक्योर सॉकेट एसएसएच, एप्लीकेशन सारी एप्लीकेशन लेयर एसएसएच प्रेजेंटेशन लेयर में होगा, पोर्ट जितने भी पोर्ट बने हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर के अंदर, सब टोटल जितने भी पोर्ट है। कोई पूछे सर एचटीटीपी पोर्ट, अरे भाई ब्राउजिंग करोगे 80 नंबर से रिक्वेस्ट जाएगी, एफटीपी फाइल भेजोगे 20 और 21 नंबर के पोर्ट काम आएंगे, अच्छा टेननेट रिमोट एसएच करोगे बच्चों 23 नंबर का पोर्ट काम आएगा, समझ जाइए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सिक्योर सॉकेट सेल, अच्छा ठीक है प्रेजेंटेशन लेयर का काम है बच्चों, एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, क्लियर बच्चों, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है प्रेजेंटेशन लेयर पे की जा रही है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किया जा रहा है, कीज यूज की जा रही है, डेटा को कन्वर्ट किया जा रहा है, साइबर प्लेन टेक्स्ट को साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, प्लेन टेक्स्ट को साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, अच्छा डेटा बड़ा है कंप्रेस किया जा रहा है, तो बच्चों ये काम है प्रेजेंटेशन लेयर का। अब अटैचमेंट किए जा रहे हैं, फाइलों के अटैचमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ जाइए सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या काम करती है समझना, सेशन बच्चों एप्लीकेशन के बीच में सेशन क्रिएट करती है, फोन पे करना है अच्छा ठीक है फोन पे करना है, चलो ठीक है सब कुछ हो गया फोन पे करना है, सर्वर से रिक्वेस्ट की जाती है बच्चों, सेशन क्रिएट किए जाते हैं बच्चों, डायलॉग बाजी की जाती है, क्या आप फ्री हो क्या नहीं हो क्या, ये सब सेशन एप्लीकेशन के बीच में टाइम को मैनेज करने का काम सेशन क्रिएट करना, सेशन को डिस्ट्रॉय करना, सेशन को क्रिएट करना, पर्टिकुलर सेशन के अंदर काम करना, ये सारा काम सेशन लेयर का है। डायलॉग बाजी करना, आप फ्री हो क्या मैं आपको डेटा भेजना चाहता हूं, आप फ्री हो क्या, ये सारा सेशन लेयर के अंदर होता। तो बच्चों अब तक दोनों क्या हो गए, डेटा ऊपर मैसेज था फिर बन गया डेटा। अब बच्चों ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर देता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, कनेक्शन बनाता है। बच्चों एक बार बताइए, एक तो बस यहां है 100 लोग है, 100 लोगों को मैं जयपुर पहुंचाना चाहता हूं, तो बच्चों दो तरीके से पहुंचाऊंगा, एक तो मैं 100 की 100 बस एक ही पाथ से भेजू, तो बच्चों इस कनेक्शन को बोलते हैं टीसीपी कनेक्शन, और एक मैं 100 लोगों को बोलू कि यार एक काम करना रामनिवास बाग में जाके इकट्ठे हो जाना, कैसे भी जाओ जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे जाओ, कोई ऑर्डर में जाने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे जाओ पैकेट में जाके इकट्ठे हो जाना और वहां पर मैं रीअरेंज कर लूंगा, यह यूडीपी कनेक्शन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर दो तरीके के कनेक्शन प्रोवाइड कर, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ट्रक बसों की इनकी व्यवस्था कराती है, कुछ ट्रक बस एक पाथ के अकॉर्डिंग चलते हैं और कुछ ट्रक बस अपने इंडिविजुअल चलते हैं और वहां जाके रीअरेंज हो जाते हैं। बच्चों समझने की कोशिश करो, एक यूडीपी है और एक टीसीपी है। यूडीपी में यही बच्चों यहां तक समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन का काम किसका है, तो ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन का काम आपकी प्रेजेंटेशन लेयर का है। प्रेजेंटेशन लेयर के क्या क्या काम है सुन लीजिए, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेस, क्लियर, क्लियर है बच्चों, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेस करना ट्रांसलेट करना ये सब, क्लियर। नेक्स्ट ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन ये सेशन लेयर का काम, किसका सेशन, क्लियर है बच्चों सेशन लेयर का काम, मैं गलत बोल गया जल्दीबाजी में, सेशन लेयर का काम है ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन सेशन लेयर का काम, क्लियर। तो सबसे ऊपर मैसेज लिखा वोट के थ्रू, वो मैसेज आ गया, फिर डेटा बनना स्टार्ट हो गया, इंक्रिप्शन, देखिए प्रेजेंटेशन लेयर के तीन ही काम है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पहला काम, कंप्रेस करना दूसरा काम, और एक और होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेस करना, और एक और होता है बच्चों, ठीक है वो धीरे आ जाएगा है ना वहां पर, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स, वेरी गुड सिंटैक्स और सेमेंटिक्स, क्लियर कि भाई कोई मीनिंग मीनिंग तो नहीं बदल गया, उसकी चर्चा करना। फिर सेशन लेयर का काम है डायलॉग बुक्स तैयार करना, डायलॉग बाजी तैयार करना, सेशन क्रिएट करना, सेशन को टर्मिनेट करना, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन करना, ये किसका काम है सेशन लेयर का काम है, क्लियर। अब सेशन लेयर ने बोल दिया ठीक है आगे बढ़ जाइए। अब बच्चों ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, एक तो कनेक्शन बनाना, सबसे पहले कनेक्शन दो तरीके के है, एक तो बच्चों डेटा को कैसे भेजेंगे, तो या तो कनेक्शन लेस या कनेक्शन युक्त, क्लियर। तो बच्चों एक तरीका तो यह है टीसीपी कनेक्शन,
टीसीपी कनेक्शन का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और बच्चों यूडीपी कनेक्शन होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी के अंदर क्या होता है, जितने भी पैकेट होते हैं वो इंडिविजुअली जाते हैं और रिसीवर की तरफ जाके जमा हो जाते हैं और पैटर्न वाइज बन जाते हैं, ठीक है। टीसीपी के अंदर क्या होता है, सब सिक्वेंस में जाते हैं, एक बार कनेक्शन बनता है, मैसेज हमेशा टीसीपी को यूज करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमेशा यूडीपी को यूज करती है। कोई चीज ऐसी है जिसमें एक दो पैकेट चले जाए कोई दिक्कत नहीं, यूडीपी है। और बच्चों ऐसी चीज जिसमें पैकेट लॉस होने नहीं चाहिए, सीरियल वाइज जाना चाहिए, बच्चों रिलायबल कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो टीसीपी है। तो बच्चों ट्रांसपोर्ट लेयर बनाती है सेगमेंट, क्या बनाती है सेगमेंट। अब सेगमेंट बनाती है, लेकिन याद रखना इन्हीं सेगमेंट को जब यूडीपी पैकेट के थ्रू कम्युनिकेट करवाते हैं तो इन्हीं को बोलते हैं यूजर डेटाग्राम। और जब इन्हीं सेगमेंट को तुम टीसीपी के थ्रू भेजते हो तो बच्चों इसको बोलते हैं पैकेट। तो यूजर डेटाग्राम और पैकेट एक जैसी चीज है, टीसीपी कनेक्शन के थ्रू अगर हो रहा है काम तो बच्चों इनको बोलते हैं पैकेट, और अगर यूडीपी कनेक्शन के थ्रू काम हो रहा है तो इन्हीं को बोलते हैं यूजर डेटाग्राम। क्या ये क्लियर है बच्चों, एक बार कमेंट कर दो। अनरिलायबल यूडीपी होता है बच्चों, क्लियर। एसएमटीपी मेल के लिए होता है, एसएमटीपी टीसीपी यूज करता है, डीएनएस यूडीपी यूज करता है, खूब पढ़ा रखा है मैंने, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो यहां तक कि हाँ सर सब समझ में आ गया, ऊपर मैसेज था फिर डेटा बना, डेटा का सेगमेंट बना, अब वो सेगमेंट किसके थ्रू जाएगा उसके हिसाब से नाम है, एक डेटाग्राम और एक है पैकेट। टीसीपी के थ्रू तो पैकेट और यूडीपी के थ्रू तो डेटाग्राम, क्लियर क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेटवर्क लेयर में या तो पैकेट बने या डेटाग्राम बने। अब बच्चों नेटवर्क लेयर में, अच्छा ट्रांसपोर्ट लेयर ने एक एड्रेस जोड़ा था, उसका नाम है पोर्ट एड्रेस, खूब पढ़ रखा है 11 घंटे का वीडियो तो समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा एड्रेस जोड़ती है, पोर्ट एड्रेस। यूआरएल कहां जोड़े जाते हैं, यूआरएल जोड़े जाते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। बच्चों एप्लीकेशन एड्रेस कहां जोड़ा जाता है, एप्लीकेशन लेयर पे। फिर अगला एड्रेस कौन जोड़ती है, अगला एड्रेस जोड़ती है आपकी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, कौन सा एड्रेस, पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस जोड़ने के बाद दो चीज बनती है, क्या, या तो बनता है डेटाग्राम या बनता है पैकेट। हाँ, या तो बनता है डेटाग्राम। सेगमेंट का दो पार्ट हो गए, एक तो सेगमेंट और एक डेटाग्राम, क्लियर है बच्चों। आगे चले जाइए, यही सेगमेंट पैकेट में कन्वर्ट होता है और डेटाग्राम में कन्वर्ट होता है, क्लियर। सुनो वापस सुन लो, यहां पर मैं बना रहा हूं, यहां पर आपका होता है मैसेज, यहां पर होता है आपका डेटा, यहां पर भी आपका होता है डेटा, कौन सी लेयर हो गई एप्लीकेशन, यहां पर कौन सी लेयर हो गई प्रेजेंटेशन, यहां पर कौन सी लेयर हो गई सेशन, क्लियर। सबके काम मैंने बता दी। अब आ जाइए ट्रांसपोर्ट लेयर, यहां बनते हैं सेगमेंट। अब ये जो सेगमेंट है, अब ये डिसाइड करेगा ये कैसे जा रहा है, एक तो ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। तो बच्चों नेटवर्क लेयर जब इसमें आईपी जोड़ती है, तो अगर इसमें आईपी जोड़ती है ये कनेक्शन युक्त है टीसीपी वाला, और बच्चों ये क्या है यूडीपी वाला, तो इसमें आईपी जोड़ती है तो इसको बोलते हैं पैकेट पैकेट, और अगर इसमें आईपी जोड़ती है तो इसको बोलते हैं डेटाग्राम। क्या ये क्लियर है बच्चों, और दोनों ही बनाने का काम किसका, नेटवर्क लेयर का है। ये कौन सी लेयर है बच्चों, नेटवर्क लेयर है, ये नेटवर्क लेयर है बच्चों, क्लियर। सेगमेंट कौन सी लेयर पे बनते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। पैकेट कौन सी लेयर पे बनते हैं, नेटवर्क लेयर। बच्चों डेटाग्राम कौन सी लेयर पे बनते हैं, नेटवर्क लेयर। अब बच्चों ये आगे बढ़ जाएगा और इसमें मैक एड्रेस जुड़ जाता है, और हेडर फुटर जुड़ते ही है बच्चों, हेडर और ट्रेलर जुड़ते ही है, तो मैक एड्रेस जुड़ते इसको फ्रेम कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों, फ्रेम। और ये फ्रेम जब आगे जाएगी तो बच्चों ये फिजिकल में बदल जाएगी, 10101010 जो भी है, यहां पर कोई एड्रेस नहीं होता। तो मैक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है बच्चों, पोर्ट एड्रेस होता है और एप्लीकेशन एड्रेस होता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, एप्लीकेशन एड्रेस और यूआरएल एड्रेस, क्लियर। तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, एक बार बता दीजिए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। फिजिकल लेयर में बिट्स होती है, ठीक है बच्चों, क्लियर। डेटा लिंक लेयर के अंदर फ्रेम बनते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो बना इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रेम। इनको क्या कहते हैं, बिट एंड सिग्नल। इसको क्या कहते हैं बच्चों, अपन पैकेट और डेटाग्राम, क्लियर। मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से समझ में आ जाओगा। प्रेजेंट लेयर का काम करती है क्या, ये क्या पूछ रहा है पता नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है क्या, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। थ्री वे हैंडशेक सिग्नल ये सेशन लेयर के अंदर होते हैं, कौन सी लेयर के अंदर, सेशन लेयर के अंदर, क्लियर। समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट है तो पूछते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से उप्स की क्लास आ जाएगी बच्चों,
आ जाएगी। ऑप्शन में से दो क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट का ऑप्शन है, ले लेंगे एक दिन में। क्लियर? चलो यहां पर आ जाओ बच्चों। फिजिकल लेयर में बिट्स होती है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम बनाती है, नेटवर्क लेयर आपके पैकेट बनाती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर आपके सेगमेंट बनाती है, ठीक है, सेशन लेयर आपका डेटा बनाती है, क्या बनाती है, डेटा, सेशन लेयर ये भी आपका डेटा बनाती है, क्लियर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर डेटा और प्रेजेंटेशन लेयर सब आगे, क्या बच्चों सब आगे, इधर एक कम है शायद, क्लियर है, सेशन लेयर ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर भी आपका क्या बनाती है, डेटा, सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर ये डेटा बनाती है। डेटाग्राम बच्चों नेटवर्क लेयर का ही पार्ट होता है, ये ध्यान रखना, ये ऊपर नीचे समझाने के लिए ऐसे किया है मैंने, लेकिन आपके समझ में आ जाना चाहिए, डेटाग्राम क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। होस्ट टू होस्ट, पोर्ट टू पोर्ट, सोर्स टू डेस्टिनेशन, होप टू होप में डिफरेंस क्या है, देख लीजिए। देखो बच्चों, जब ये लेयर होती है, यहां पर कौन सी लेयर होती है, फिजिकल, यहां पर कौन सी लेयर है बच्चों, डेटा लिंक लेयर, यहां पर कौन सी लेयर है बच्चों, नेटवर्क लेयर, यहां पर कौन सी लेयर है बच्चों, ट्रांसपोर्ट लेयर, यहां पर कौन सी लेयर है बच्चों, सेशन लेयर, यहां पर कौन सी लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर, और यहां पर कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, क्लियर। अब टाइम इतना कम होता है, समझाना पूरा पड़ता है, पूरी नेटवर्किंग जिस दिन मेरे से पढ़ लोगे दीवाने हो जाओगे आप, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, यहां पर एज इट इज। अब बच्चों अगर कोई ये कहे सर इन दोनों में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, नोड टू नोड कम्युनिकेशन बच्चों, क्लियर। तो नोड टू नोड कम्युनिकेशन का काम डेटा लिंक लेयर का होता है, नेटवर्क लेयर बच्चों होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन ये काम नेटवर्क लेयर का होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन या पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है, क्लियर है बच्चों, और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन का काम एप्लीकेशन लेयर का होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है ये भी समझ लो बच्चों। देखिए इसने भेजा, ये होस्ट है, ये लेगा, ये भी होस्ट है बच्चों, क्लियर। तो जो भेजा जो लेगा वो होस्ट है, ये नेटवर्क लेयर का काम है यहां से वहां पहुंचाने का। लेकिन बच्चों ये बहुत सारे लोगों से क्रॉस होके जाता है, तो यहां से यहां पहुंचा, अब यहां से यहां पहुंचा, इससे यहां पहुंचाने का काम ये नोड टू नोड है, ये नोड टू नोड यहां से यहां पहुंचाने का काम नोड टू नोड है बच्चों, क्लियर। ये नोड टू नोड डेटा लिंक लेयर का काम है बच्चों, इसमें और इसके बीच में रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका काम है। और एक और होता है, यहां पहुंच तो गया लेकिन क्या चीज है, अगर ईमेल है तो पोर्ट नंबर 25 बच्चों, फाइल है पोर्ट नंबर 21, 20, 21, क्लियर। तो कौन से पोर्ट में ओपन होगा उसको बोलते हैं पोर्ट टू पोर्ट या एंड टू एंड, क्योंकि एप्लीकेशन एंड टू एंड पे ओपन होती है। तो बच्चों पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक, पर्टिकुलर पोर्ट तक पहुंचाने का काम, पर्टिकुलर पोर्ट तक पहुंचाने का काम किसका काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बच्चों मेल तो आई, लेकिन जी मेल आई या याहू मेल आई या फिर क्या आई, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, समझ जाइए, वापस सुन लो, ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक पोर्ट पे कई एप्लीकेशन काम करती है, जैसे एसएमटीपी के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन काम करती है। और बच्चों एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, तो बच्चों जो लास्ट होता है वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन होता है, क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, पोर्ट टू पोर्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर और आ जाओ होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर, और फिर बच्चों नोड टू नोड डेटा लिंक लेयर। अब देखो इसको ऐसे देख लो, ऊपर से देख लो, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, फिर बच्चों पोर्ट टू पोर्ट ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होस्ट टू होस्ट ये हो गया नेटवर्क लेयर, और फिर हो गया पॉइंट टू पॉइंट, क्लियर। तो एड्रेस रिजोल्यूशन भी एप्लीकेशन, फिर पोर्ट एड्रेस, एप्लीकेशन एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, फिर बच्चों आईपी एड्रेस और फिर मैक एड्रेस, ऐसे रिजोल्व होता है, क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले एप्लीकेशन एड्रेस रिजोल्व होगा किसमें, पोर्ट एड्रेस से, पोर्ट एड्रेस रिजोल्व होगा आईपी से, आईपी रिजोल्व होगा मैक से, इस तरीके से पूरा चलता है बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अब लेकिन बच्चों ये इतना डीप है, इसको पढ़ने के लिए 5-6 घंटे चाहिए, जो मैंने पढ़ा रखा आपको एप्लीकेशन पे, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर, एक पोर्ट पे कई एप्लीकेशन काम कर रही, फोन पे एक ही पोर्ट पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एक ही पोर्ट पे काम कर रहा है बच्चों। ऐसे ही
वर्ड डॉक्यूमेंट वाले बहुत सारे एक ही पोर्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्लियर। तो एक पोर्ट पे पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का, वहां से एप्लीकेशन पे जाने का काम एप्लीकेशन लेयर का, बच्चों कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम आईपी का है, और बच्चों कंप्यूटर तक बीच में बहुत सारे लोगों से गुजारने का काम डेटा लिंक लेयर का है, क्लियर। सच चेकसम का यूज होता है डेटा लिंक लेयर। अब ये क्यों पूछ रहे हैं मेरे समझ से बाहर, ये समय आएगा तो मैं बता दूंगा, मैंने कह रखा है, लेकिन मेरा टेस्ट लेने के लिए पूछते रहते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। सर डेटाग्राम क्या होता है, तो सुनिए, सेगमेंट जब जाता है तो वो कनेक्शन पहले से बने हुए कनेक्शन के थ्रू जाता है, तो वो कन्वर्ट होता है पैकेट में, बच्चों नेटवर्क लेयर उसको पैकेट में कन्वर्ट करती है। और अगर 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 वो रेंडमली किसी भी रास्ते से जाना चाहता है, कोई फिक्स पाथ से नहीं जाना चाहता, टीसीपी कनेक्शन नहीं बना के यूडीपी कनेक्शन बनाता है, तो वही सेगमेंट नेटवर्क लेयर के अंदर डेटाग्राम बन जाते हैं, डेटाग्राम कहलाती है, क्लियर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या होता है डेटाग्राम, क्या होता है पैकेट, क्या होता है फ्रेम, क्या होता है बिट्स, क्या होता है बच्चों सेगमेंट, क्या होता है मैसेज, क्या होता है मैसेज, डेटा, डेटा सेगमेंट, पैकेट, डेटाग्राम, बच्चों फ्रेम, बिट्स, याद हो जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। चले फिर आगे, एक बार कमेंट करो आज की क्लास कैसी लगी। हाँ, मैं गागर में सागर बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो बच्चों गागर में सागर भरना ही पड़ेगा, और क्या इलाज है, समय कम है। लेकिन बच्चों जिस दिन तुमने मेरा कोर्स ले लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, आपको लगेगा पूरी नेटवर्किंग दिमाग में आ गई है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट प्लस टीसीपी पैकेट, वेरी गुड, सेगमेंट प्लस यूडीपी डेटाग्राम, बिल्कुल सही है, मस्त, सुपर से ऊपर, इक्कास, रापचिक, ये क्या चीज है भाई, सुपर, वेरी नाइस। सर आईए का अभी करे तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा, हो जाएगा सर, एक नंबर क्लास है। और बताया करो बच्चों को, बताया करो बच्चों, बताया करो कि एक बंदा YouTube पे एक डेढ़ साल से ही आया है, YouTube पे तभी आया, एप्लीकेशन आया, और 20,000 लोगों ने उस एप्लीकेशन को खरीदा ऑल ओवर इंडिया, तो उस बंदे में दम तो होगा बच्चों, क्लियर। ये बताया करो लोगों को, हमारे यहाँ सेकंड ग्रेड मैथ नंबर वन है, इंडिया की नंबर वन सेकंड ग्रेड मैथ, अगर किसी को सेकंड ग्रेड मैथ करना है ना, तो इससे अच्छी कोचिंग नहीं है बच्चों, ऑल राजस्थान सेकंड रैंक यहीं से आई अभी, तो बताया करो लोगों को। इसके अलावा बैंक SSC नंबर वन है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी नंबर वन है, कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, आ जाइए, क्या क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं अपन, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, क्लियर, ये तो हो गया था, ठीक है, नेक्स्ट चलिए। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो, OSI मॉडल और करस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल कहां काम आता है, क्लियर है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिजिकल लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है, इनमें से फिजिकल लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है बच्चों, डेटा लिंक लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है, इनमें से पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, क्लियर, डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल आईपी है, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल टीसीपी है, सेशन लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा है, तो सेशन लेयर का बच्चों, अब इनमें से तो ऐसे तो डायरेक्ट देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, SMTP बच्चों एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, HTTP भी बच्चों एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। फिर आ जाइए आगे, SSL और TSL, ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, तो SSL और TLS ये ट्रांसपोर्ट लेयर का आंसर देना, क्लियर, क्योंकि उसमें TLS साथ में, तो आंसर क्या देना, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या लगा दिया मैंने, TCP, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिक्योरिटी TLS को कहते हैं, क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों क्या बचा, इथरनेट, तो इथरनेट आप सबको पता है कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है इथरनेट, तो बच्चों डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, क्लियर, ये डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, इथरनेट डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है। तो बच्चों HTTP एप्लीकेशन है, TCP ट्रांसपोर्ट है, IP नेटवर्क है, PPP पॉइंट टू पॉइंट सबको पता है, नोड टू नोड ये कौन सा है, डेटा लिंक लेयर है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बच्चों एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर 25 को यूज करता है, इथरनेट डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, SSH प्रेजेंटेशन लेयर का प्रोटोकॉल है बच्चों, क्लियर, SSL सॉकेट सिक्योर सॉकेट लेयर पूछे तो बच्चों ये भी प्रेजेंटेशन का है, लेकिन इसके साथ अगर ये दे दे
प्रोसेशन लेयर का हो जाता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टीएलएस देते ही ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, क्यों? क्योंकि दोनों तरीके की सिक्योरिटी आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही मिलेगी, क्लियर? क्यों? क्योंकि ये भी मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगी, ये और ये दोनों मिल जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम लेना है आपको। यहां तक समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट कर दीजिए। एसएसएल प्रेजेंटेशन लेयर बिल्कुल सही है, क्लियर है बच्चों? यार बिल्कुल सही है, एसएसएल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर का है, एसएसएच प्रेजेंटेशन लेयर का है, और बच्चों एसएसएल भी प्रेजेंटेशन लेयर है, लेकिन टीएसएल उसने बोला ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, तो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ही देना है। क्या ये क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट टीएलएस के साथ दे तो ट्रांसपोर्ट लेयर, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोली। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, एचटीटीपी हो गया, टीसीपी हो गया, आईपी हो गया, पीपीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, क्लियर है बच्चों? इथरनेट, इथरनेट बच्चों एनआईसी कार्ड के ऊपर काम करता है। अगर वो ये कहे टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी बच्चों कौन से पे आएगी? आपके फिजिकल लेयर पे आएगी। अब इसने क्लियर नहीं किया कि इथरनेट टेक्नोलॉजी या टोपोलॉजी। अगर इथरनेट टोपोलॉजी बोल दे, इथरनेट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बोल दे, तो आपको यहां पर आंसर देना है फिजिकल लेयर, क्लियर? दोनों में कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। मैक एड्रेस बोले, अगर इथरनेट की बात करें तो मैक एड्रेस की भी बात कर सकता है, तो आप देना डीएलएल। और अगर वो टोपोलॉजी बोले, क्योंकि इथरनेट टोपोलॉजी चलती है, कौन कौन सी चलती है बता देता हूं, बस होती है, स्टार होती है बच्चों, रिंग होती है, तो इनको बोलते हैं टोपोलॉजी, तो इथरनेट इनको भी कहते हैं, इथरनेट एनआईसी कार्ड को भी कहते हैं। तो टोपोलॉजी के संदर्भ में इसका आंसर आएगा फिजिकल लेयर, और अगर दोनों ऑप्शन है तो आंसर देना फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर इथरनेट फिजिकल लेयर। क्यों? क्योंकि समझ जाइए क्या रीजन है, इथरनेट, इथरनेट का मतलब होता है टोपोलॉजी, कौन कौन सी टोपोलॉजी है, वायर टोपोलॉजी, तो बच्चों कौन कौन सी है, बस है, स्टार है, रिंग है, हाइब्रिड और मेस है, पता है आपको, तो टोपोलॉजी वर्ड आते ही आपको फिजिकल लेयर लगाना। और अगर कंफ्यूजन हो जाए कि सर टोपोलॉजी पूछा है या एनआईसी पूछा है, तो एनआईसी के लिए एनआईसी देगा, एनआईसी देगा, एनआईसी कार्ड देगा, तो आपको क्या लेना है, डेटा लिंक लेयर, क्लियर? अब यहां पर दोनों ऑप्शन है आपके, तो आप बोल सकते हो सर इथरनेट किस पे आएगा, तो इथरनेट बच्चों अगर एनआईसी कार्ड की बात कर रहा है तो इस पे जाएगा, और टोपोलॉजी की बात कर रहा है तो इस पे, और दोनों आ जाए तो मैं बता देता हूं, दोनों आ जाए तो आप टोपोलॉजी वाला आंसर देना फिजिकल लेयर, क्लियर? चलिए सर इथरनेट प्रोटोकॉल होता है क्या? बिल्कुल होता है, इथरनेट प्रोटोकॉल होता है, इथरनेट टोपोलॉजी भी होती है, क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? एक बार कमेंट करो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो इथरनेट, इथरनेट नहीं लिखे, ऐसे बोल दे एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड कौन सी लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर, और अगर इथरनेट बोल रहा है तो इसका मतलब टोपोलॉजी की बात कर रहा है वो, है ना, तो फिर आप फिजिकल लेयर आंसर दे देना इसका। यहां से चलो मैं हटाई देता हूं, इथरनेट कौन सी लेयर जोड़ी है मैंने, इसको हटा दो यहां से, और इथरनेट को क्या आंसर दे देना, फिजिकल लेयर, क्योंकि ये टोपोलॉजी की बात कर रहा है, क्लियर? चलिए क्या सबके समझ में आ गया बच्चों? अरे टोपोलॉजी हमेशा वायर को जोड़ना, संरचना बनाना, क्लियर है? केबल ये सब किस में आती है, तो फिजिकल लेयर में आती है। बिट्स है, सिग्नल है, फिजिकल लेयर में आती है। मॉडेम है बच्चों, रिपीटर है, फिजिकल लेयर में आती है, क्लियर? समझ में आ गया सबके? नेक्स्ट बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल लेयर करस्पॉन्डिंग एड्रेस। फिजिकल लेयर का कोई एड्रेस नहीं होता, सबको पता है, कोई एड्रेस नहीं है तो छोड़ दो। डेटा लिंक लेयर का मेक एड्रेस होता है, नेटवर्क लेयर का आईपी एड्रेस होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का पोर्ट एड्रेस होता है, सेशन लेयर का, सेशन लेयर का रोक दो, एप्लीकेशन लेयर में यूआरएल होता है, क्लियर? यूआरएल होता है बच्चों। अब आ जाइए, लॉजिकल एड्रेस बचा, डेटा एड्रेस बचा, यूआरएल, तो ये डेटा एड्रेस लॉजिकल, लॉजिकल एड्रेस उसी को कहते हैं, नेटवर्क लेयर के एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, क्लियर? तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, फिजिकल लेयर का कोई एड्रेस है, कोई एड्रेस नहीं, फिजिकल लेयर का कोई एड्रेस नहीं है, सेशन लेयर का कोई एड्रेस नहीं, क्लियर? प्रेजेंटेशन लेयर का एप्लीकेशन एड्रेस होता है बच्चों, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर का कोई एड्रेस नहीं होता, तो तीन लेयर का कोई एड्रेस नहीं है, पांच छह और एक, क्लियर? बाकी आपको मैच करना है बच्चों, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एक अलग चीज होती है बच्चों, जिसको अपन मैक एड्रेस कहते हैं, फिजिकल एड्रेस समझ में आ गया होगा बच्चों, तो फिजिकल एड्रेस भी डेटा लिंक लेयर का ही होता है, क्लियर? यूआरएल हो ही गया, डेटा एड्रेस कोई चीज होती नहीं है बच्चों, तो ये चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। लॉजिकल एड्रेस आईपी को कहते हैं,
फिजिकल एड्रेस मैक को कहते हैं, पता होना चाहिए पोर्ट एड्रेस हो गया, आईपी हो गया, मैक हो गया। डेटा एड्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती, यूआरएल आपका एप्लीकेशन लेयर पे होता है। एक बार कमेंट कर दो, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया बच्चों। मैंने एक तरफ लेयर जोड़ी है, एक तरफ ईयर लिया है ताकि आपका रिविजन हो फटाफट। मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर, आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन एड्रेस एप्लीकेशन लेयर, बच्चों यूआरएल एप्लीकेशन लेयर। इसके अलावा फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस को आईपी एड्रेस कहते हैं। क्लियर, क्लियर है बच्चों। सॉकेट एड्रेस और पूछा है बच्चे ने, सॉकेट एड्रेस और पूछा है, तो सॉकेट एड्रेस होता है पोर्ट एड्रेस, पोर्ट एड्रेस प्लस आईपी एड्रेस मिलकर क्या कहलाता है, सॉकेट एड्रेस। क्लियर है बच्चों, याद रखिए सॉकेट एड्रेस किस लेयर पर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सॉकेट एड्रेस बच्चों ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, क्योंकि पोर्ट आ गया तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। क्लियर, चलिए एक बार कमेंट कर दो, हाँ सर बिल्कुल सही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सॉकेट एड्रेस पोर्ट एड्रेस प्लस। आप देखिए आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही आ गया, सॉकेट एड्रेस आ गया। क्लियर, हाँ जी। और डेटा एड्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती, पता है बच्चों, ऐसे ही बना दिए जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन। मैक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, पोर्ट एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस को कहते हैं, यूआरएल बच्चों लॉजिकल एड्रेस, आईपी को कहते हैं, यूआरएल एप्लीकेशन लेयर के अंदर लिखा जाता है, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक एक क्वेश्चन में उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं, सब यूनिक क्वेश्चन है, सब बने हुए क्वेश्चन होते हैं, समझने की कोशिश करो। किसी किताब की कट कॉपी पेस्ट नहीं चलती इस कोचिंग में, यह अलग तरीके की कोचिंग है बच्चों। जिस दिन समझ जाओगे ना कि यार ऐसे क्वेश्चन तो हमने जिंदगी में नहीं देखे, तुम्हारे विचार आएंगे ऐसे क्वेश्चन तो कभी देखे ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग खोलने के लिए ऐसा जरूरी है। क्लियर, नेक्स्ट चलिए, आएगा भाई आईजीएमपी आईसीएमपी सब आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, किस लेयर का क्या काम है, करस्पॉन्डिंग वर्क, फिजिकल लेयर एक एक को पढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू एंड यूजर, एंड टू एंड, एंड टू एंड, एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड। मैनेजिंग डेटा लिंक कनेक्शन, मेक एड्रेसिंग एंड फ्रेमिंग, बच्चों डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, फ्लो कंट्रोल एंड एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आ गया बच्चों। फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इंक्लूडिंग वोल्टेज लेवल, कनेक्टर्स एंड केबल, बच्चों आपकी फिजिकल लेयर आ गई, फिजिकल लेयर आ गई। लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग एंड पैकेट फॉरवर्डिंग, ये कौन सी लेयर का काम है बच्चों, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का है क्या, ये नेटवर्क लेयर ही आ गई। एस्टैब्लिशिंग मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन, सेशन लेयर, ये लीजिए सेशन लेयर आ गई बच्चों। प्रेजेंटेशन लेयर पे आ जाइए, एनकोडिंग डिकोडिंग डेटा इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, ये लीजिए ये किसका काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम। क्लियर, अब बच्चों क्या बचा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर में क्या, मैनेजिंग डेटा लिंक कनेक्शन में की हुई क्या, प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विस, नेटवर्क, ओ या गड़बड़ कर दी जी में, गड़बड़ कर दी, एंड टू एंड नहीं बोल रहा हूं, एंड यूजर का काम करता है, एंड यूजर काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे, एंड टू एंड डेटा डिलीवरी नहीं बोल रहा, एंड टू एंड बोलता, पोर्ट टू पोर्ट बोलता, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू एंड यूजर, यूजर का काम करता है एप्लीकेशन लेयर। क्लियर बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट समझा दिए होंगे, कौन सी लेयर का क्या काम है, सेशन क्रिएट करना, सेशन टर्मिनेट करना, हैंड शेकिंग सिग्नल करना, डायलॉग बाजी करना, सेशन लेयर, ट्रांसलेट करना, इंक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रेजेंटेशन लेयर, यूजर इंटरफेसिंग करवाना, एप्लीकेशन होना, पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करना, एंड यूजर जहां काम करता है वो एप्लीकेशन लेयर, कनेक्शन बनाना, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, बच्चों जो सबसे ज्यादा बिजी लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके नीचे सारी हार्डवेयर, उसके ऊपर सारी सॉफ्टवेयर लेयर है, नीचे से ऊपर की तरफ नंबर देते हैं, लोअर लेयर पर फिजिकल लेयर। क्लियर, नेक्स्ट आ रहे हैं, बैकअप स्टडी सब आ रहे हैं, नेक्स्ट। अब बच्चों यहां से कल स्टार्ट करेंगे, यहां से कल स्टार्ट करेंगे, कोशिश कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन में उस टॉपिक का पूरा ब्रह्मांड लाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद आपको, हेमिंग कोट मैंने पढ़ा रखा है बच्चों, खूब सारा पढ़ा रहा है, चेक सम पढ़ा रखा है, पेरिटी चेक पढ़ा रखा है, सीआरसी चेकिंग पढ़ा रखी है, डिवाइड मेथड बता रखे हैं,
लेकिन आर्ट ओपो एसआई मॉडल बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको शेयर किया करो बच्चों, बताया करो लोगों को, और बहुत शानदार कोचिंग है बच्चों, बहुत शानदार कोचिंग है, तुम्हारा दिमाग खोल देगी। ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट आप मेरे को भी करो। सर एक क्लास में पूरा सिलेबस रिवाइज करो, अरे कहां से होगा एक क्लास में, सिलेबस ही तो चल रहा है। अब तुम्हारे लिख दिया नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग का छोटा सा है क्या तुम्हारे, ये थोड़ी है सिलेबस क्या है तुम्हारे, तो दे रखा है नेटवर्किंग बस, तो कुछ भी आ सकता है, पूरा तैयार रहिए। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों, टाइम ओवर हो गया।